अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेजबान ज़रिया फ़रीद। सॉरी मोहम्मद शुएब, मैंने कहा ज़रिया फ़ोन में खो गए, मैं ही कहता हूं अस्सलाम वालेकुम। नहीं नहीं, मुझे पूरा याद था कि हम लोग अभी जा रहे हैं, वो अभी काउंटडाउन प्रोड्यूसर साहब दे रही थी, तो मुझे लगा तब तक मैं बिल्कुल अलर्ट हो जाऊंगी। अलर्ट तो हो गई थी, लेकिन वो आप मुझे मेरी सिचुएशन को देखते हुए महा अलर्ट हो गए। मैंने कहा कि मेरा ख्याल है ज़रियाब को ना गर्मी ज्यादा लग गई है, या ज़रियाब की हालत आज वही है जो कल हम सब की थी कि हम सब इंतजार कर रहे थे कि भाईजान बारिश हो जाए, बार बार खिड़की खोल के बाहर देख रहे थे कुछ ऐसा ही था, बारिश नहीं हुई, बादल बादल, क्लाउडी क्लाउडी, और ऐसा लग रहा था कि जैसे आज बारिश हो जाएगी। फिर मुझे वो महर साहब याद आया, फिर मैंने कहा नहीं, कुछ भी कभी भी मेहरबान हो सकती है, लेकिन नहीं हुई बारिश, क्या करें। तो ये है कि सिचुएशन आज भी कुछ वैसी ही रहेगी, मौसम जो है वो गर्द-आलूद हवाएं कुछ इलाकों में चलने के इम्कानात हैं, लेकिन ओवरऑल अगर पाकिस्तान के हम लोग बात करें तो मौसम जो है वो गर्म और खुश्क रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान में बहरहाल ये कहा जा रहा है कि वहां पर बारिश की उम्मीद है, वैसे भी अपर एरियाज में जनरली भी मौसम खुशगवार रहता है, बट यहाँ पर मौसम आज गर्म और खुश्क रहेगा। जब बात हम गर्म मौसम की कर रहे हैं तो ऐसे में क्यों ना बात मौसम में तब्दीली की भी हम हल्की सी कर लेते हैं, चूँकि इससे मुतालिक वफाकी वज़ीर बराए माहौलियाती तब्दीली शहरी रहमान साहब ने कहा है कि जो मौसम तब्दीली है ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, नेशनल सिक्योरिटी का इशू करार दिया गया है इस मामले को, ये बहुत बड़ी बात उनकी तरफ से की गई है। मौसमियाती तब्दीली की कायमा कमेटी का जो इजलास है, इसकी ब्रीफिंग के दौरान वफाकी वज़ीर शहरी रहमान साहब ने कहा कि पाकिस्तान में जो मौसमियाती तब्दीली का बहरान है ये बहुत बढ़ता चला जा रहा है, ये एक हकीकत है और इसको बहुत सीरियस लेना होगा। माहौलियाती तब्दीली इस वक्त पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को मुतासर कर रही है, और अगर हम सिर्फ पाकिस्तान की बात कर लें यानी मौसमी तब्दीली के जो असरात है उसकी बात कर लें तो हीट वेव इस वक्त पाकिस्तान में बिलखसूस सदरन पार्ट्स में है। कल कराची से भी कुछ ऐसी खबरें आ रही थी कि वहाँ पर वो शहरी जो कि किसी काम से बाहर निकले उनके लिए खासी मुश्किल रही, और मुख्तलिफ जगह पर हमने देखा कि हीट वेव कैंप्स लगाए गए हैं, वहाँ पर ठंडा पानी रखा गया ताकि जो भी शहरी उस गर्म मौसम में निकले तो उनके लिए खासी सहूलत का इंतजाम हो। बिल्कुल, अच्छा ये तो वो चीज़ें हैं ना जो कि रियासत अपने तई अपने तहत इंतजाम कर रही है। देखिए ये जब हम कहते हैं कौमी नौयत का मसला है, ये इस पर मुल्की मसाइल जो है वो जन्म ले सकते हैं और जो पहले मौजूदा मसाइल में इजाफा हो सकता है, तो इसमें बतौर पाकिस्तानी शहरी कुछ हमारा भी फरीजा बनता है। पहला तो ये कोशिश करें, चूंकि जो प्लांट्स हैं जो पौधे हैं उनकी वजह से जो है वो मौसम और जो इर्द गिर्द का माहौल है वो बड़ा बेहतरीन साफ सुथरा और किस कदर ठंडा और बेहतर मालूम होता है। तो कोशिश कीजिए, मैं आपसे सड़कों पे या किसी और जगह पर नहीं कह रही, अगर आपको लगता है कि आपके घर की क्यारी खाली है और वो बंजर हो गई है तो कोशिश कीजिए कल ही अपने वाले साहब से या भाई से इल्तजा कीजिए, रिक्वेस्ट कीजिए कि भाईजान आप हमें नर्सरी ले जाके चलें ताकि कुछ इस किस्म के प्लांट्स लेकर आ जाएँ जो घर की खूबसूरती को तो खूबसूरत ती में चार चांद लगाए ही लेकिन माहौल को बेहतर बनाने में माहौल दोस्त किरदार भी अदा करें। दूसरा ये कि जैसे कि शुएब ने कहा कि रियासत अपने तई हीट वेव कैंप्स लगा रही है, तो अगर आपको ऐसा लगता है आपने कोई ऑर्डर मंगवाया है तो कोशिश कीजिए कि तपती धूप में अगर आप बाहर नहीं जा सकते तो कुछ एहतियात कीजिए, जो घर में रखा है वो खा लीजिए, बजाय इसके कि आप इस तरह से ऑर्डर बड़ी दूर से प्लेस करें जो बेचारा आ रहा है बाइक या पर या फिर किसी भी राइडर कैपेसिटी में वो भी थकावट का शिकार हो सकता है, गर्मी उसे भी मुतासर कर सकते हैं, और अगर ऐसा कोई आ गया है तो उसे घर के दरवाजे से वापस करने से बहुत बेहतर है घर में बिठा कर पानी जरूर पिलाएं और पूछें। बिल्कुल पूछें जरिया, और इसके साथ साथ परिंदों का भी ख्याल रखें, बिल्कुल अपनी छतों पर अपने टेरेस पर ज़रूर ये कोशिश करें कि वहाँ पर एक ऐसा बोल रखें पानी का ताकि जो परिंदे वहाँ पर हैं वो अपनी प्यास बुझा पाएँ, वो भी बड़े परेशान हैं इस गर्मी में, जानवरों का भी ख्याल रखें उनको भी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल और ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो कि हम खुद से ये स्टेप्स ले सकते हैं और ये अल्लाह ताला भी इन्हें बड़ा पसंद फरमाता है और कहते हैं कि हुकूकुल्लाह से पहले हुकूकुल्लाह हैं, तो जब हम हुकूकुल्लाह मुकम्मल करने में जाएंगे तो हुकूकुल्लाह में हमें बहुत सारी जो है ना रहमतें मैसर होंगी, और अल्लाह ताला जो हम हुकूकुल्लाह जो है उसकी पासदारी नहीं करते कभी भुला बैठते हैं तो अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाएगा। तो ये वो छोटी छोटी स्टेप्स हैं जो कि हम नहीं, लेकिन ऐसे में अब आप लोगों को मैंने ये तो कह दिया कि आप लोगों ने क्या करना है, लेकिन कुछ खा पी के भी तो अपनी एनर्जी बहाल करनी है ना। बिल्कुल, तो ऑप्शन क्या है हमारे पास आज? पानी नहीं, पानी के अलावा कोई ऑप्शन देना, कोई ठंडी ठंडी मीठी मीठी और चॉप करके खाने वाली अभी हमारे स्ट्रॉबेरी पास नहीं, नहीं अच्छा। वो तो छोटी छोटी सी होती अच्छा। है, वो तो चॉप करके आप कस्टर्ड वगैरह में डाल सकते हैं। हम तरबूज की बात, क्या बात है जी, तरबूज बेहतरीन, मेरे से तो 2.5 किलो का भी खत्म नहीं होता, 3 किलो का भी खत्म नहीं होता। अच्छा, आप वैसे कल लेकर आए थे तरबूज सुबह और इतना जबरदस्त तरबूज था,
एक तो मैं उसे लेकिन उसका क्रेडिट मैं आपको दूंगी, वरना हाँ। दो दिन से तो मैं उसे ना अपने लिए नाइट मील में भी खा रही थी कि कुछ ना खाऊं तो वो मैं खा लूं, लेकिन कल परसों आपने बताया था कि निहार मुंह खाने, तो फिर मैंने कहा इसको खराब करने से बहुत बेहतर है हाँ। जैसे मैंने भी पहले भी कहा कि कुछ इस तरह से बनाइए कि आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकें, बाहर लोगों के साथ भी शेयर कर सकें। तो तरबूज काटा और फिर मैं ऑफिस ले आई। बहुत अच्छा आपने किया, सबने यही करना है। तरबूज का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा, एक तो ज़ाहिर है वो एनर्जी देता है, उसके साथ फाइबर कॉन्टेंट भी है और आपके जो डिहाइड्रेशन का मामला है उसको भी वो टैकल करता है। लेकिन निहार मुंह वाली बात आपने याद रखनी है, कोशिश करें आप ये खाली पेट खाएं निहार मुंह का। एनीवेज तरबूज, उसकी अफादियत, इस पर एक रिपोर्ट है, आइए देखते हैं। सेहत बख्श फल तरबूज, जिसे अपनी गिजा का हिस्सा बनाकर मुख्तलिफ फवायद हासिल किए जा सकते हैं। तरबूज का 92% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल होता है। गजाई अज्जा और वाइटामिन से भरपूर तरबूज को खाएं या फिर इसका जूस बनाएं। इस फल के बेशुमार फवायद सेहत को बेहतर बनाने में मददगार साबित होते हैं। तरबूज में खाना और पानी दोनों की बहुतात है। ये फल ठंडक पहुंचाने के साथ साथ प्यास को भी खूब बुझाता है। तरबूज का शरबत भी हर मन को खूब भाता है। तरबूज के बीज भी कई जरूरी गजाई अज्जा से भरे होते हैं। ये बीज प्रोटीन और विटामिन्स का भरपूर जरिया है। तरबूज आंखों के लिए फायदेमंद है तो ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखता है और मूड खुशगवार बनाता है। दिल की बीमारियों से बचने और दिल को सेहतमंद रखने के लिए तरबूज एक मुफीद फल है। तरबूज में मौजूद विटामिन सी हड्डियों को मजबूत बनाता है, इंसानी जिस्म की चर्बी कम करता है, मोटापे से निजात का अहम जरिया भी है। माहिरीन पेट की चर्बी को कम करने के लिए खास तौर पर तरबूज के मशरूब के इस्तेमाल का मशवरा देते हैं। तो तरबूज के फजाइल तो हमने आपके साथ शेयर कर लिए, अगर तरबूज के मसाइल आपके साथ डिस्कस करते हैं तो जरा आगाज में जरा शुएब से करती हूं, क्योंकि और तो कोई है नहीं जिससे यहां पे मैं पूछूं। भाई बताइए जरा, तरबूज लेते वक्त और लेने के बाद एक आम शहरी को किस किस्म के मसाइल का सामना होता है? मिस, मेरे साथ तो मसला ये हो रहा है कि जब मैं जाके तरबूज कटवाता हूँ और वो एक उसका एक पीस निकालते हैं, मैं कहता हूँ वाह जबरदस्त, लालो लाल है और खस्ता है, लेकिन जब घर जाके बाकी काटते हैं आधा गलावा निकलते हैं। हाँ, और जाल जाल भी होता है। अच्छा, ऐसे क्यों होता है ये मुझे नहीं पता। नहीं, अभी तो आप कह रहे थे कि हो भी सकता है कि जिससे हम खरीद रहे हैं हाँ। उसने साइड से इस तरीके से काटा, वैसे उस बेचारे को भी क्या पता है कि अंदर क्या है। लेकिन जरा वैसे ये क्वेश्चन भी है, वो कैसे यूं करते हैं और खट खट कर और फिर काटते हैं, ये मुझे समझ नहीं। तरबूज को ठक ठक करने से कैसे पता लगे भाई जान ठीक है कि नहीं ठीक? ये वैसे अब हम उनसे पूछेंगे। आज जब आप अपने घर तरबूज लेके जाए आप भी पूछेगा, मेरा वाले भी खत्म हो गया तो मैं भी उनसे पूछूंगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ आप रेगुलर कस्टमर हैं और अगर आप उनसे तरबूज खरीदें तो वो कहते हैं कि अगर आपको लगे कि तरबूज ठीक नहीं है तो आप ले आइएगा, हम उसे रिटर्न कर लेंगे और आपको दूसरा तरबूज दे देंगे। कोई चक्कर नहीं, मेरे साथ ऐसे हुआ जरिए आपके तरबूज लेने गया तो उन्होंने मुझे कहा कि हम जी आपको बड़ा बेहतरीन तरबूज देंगे, लाल होगा कोई मसला। मैंने कहा ठीक है मैं काट के लूंगा। ठीक है, मैं कहा वैसे किसी ने सेंटर से पूरा काटे आधा कर दें, क्योंकि जब भी आप एक पीस निकाल के मुझे देते ना वो खराब बाकी खराब निकलता है। उसने आधा किया, वो गला हुआ था। मैं अच्छा? नहीं लूंगा। उसने कहा आपने मेरे पैसे जाया कर दिए। मैंने कहा भाई आपने खुद तो कहा था काट के दोगे। हाँ। काट के दे रहे हो, नहीं ठीक नहीं लूंगा। तो ये भी देखिए जरा, ये भी बड़ा मसला। अच्छा, एक और बड़ा मसला, इसके बाद हम अगली स्टोरी की तरफ बढ़ेंगे। वो मसला ये है कि अगर तरबूज लाल निकल आए तो तरबूज मीठा नहीं होता। यस, ये भी समटाइम्स हो जाता है, ये भी। और उसमें फिर ये अमूमन लोगों से सुनने को मिलता है कि शायद कुछ ऐसी टैबलेट्स या कुछ ऐसे केमिकल्स यूज किए जाते हैं जो कि उसमें इंजेक्ट किए जाते हैं। तो बड़ा सोच समझ के आपने लेना। किसी दिन हम कोशिश करेंगे कि हम डाइट जो फूड एक्सपर्ट्स हैं उन्हें बुलाएं और उनसे पूछें कि बेहतरीन फलों की निशानियां क्या होती है। और दूसरा ये कि हम अपने ये क्लिप सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करेंगे इंशाल्लाह, और आप लोग भी बताएगा कि आपके घर में आज लाया गया तरबूज कैसा था। एग्जैक्टली, चलिए जी बढ़ते आगे। और आज है 13 तारीख, 13 मई। ये बड़ी अहम तारीख है। ये मैं इसलिए जिक्र इसका कर रहा हूँ चूंकि आज पाकिस्तान में बसने वाले वो तमाम मुसलमान जिनकी ये ख्वाहिश है, यूँ तो ख्वाहिश सबकी है, जिनकी एक कोशिश है कि वो इस साल सरकारी सतह पर जो हज स्कीम है उसके तहत फर्ज हज अदा कर सकें, तो आज अप्लाई करने की आखिरी तारीख है। अब अप्लाई करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, अगर आपने अभी हमारा शो देखते हुए डिसाइड किया कि ठीक है जी पहले मिस हो गया अब अप्लाई करना चाहते हैं, तो एक लिस्ट है जो हमसे जरूर शेयर करते हैं आपने क्या लेकर बैंक जाना। अच्छा जी, उसमें आपने सबसे पहले तो अपना शनाख्ती कार्ड जो है वो लेकर जाना है, उसकी कॉपी भी आपने साथ लेकर जानी है, साथ ही साथ आपने अपना ओरिजिनल ग्रीन पासपोर्ट लेकर जाना है।
साथ ही साथ दो तस्वीर इसके लिए इस फॉर्म के साथ दरकार होगी, बिल्कुल लाइट ब्लू बैकग्राउंड के साथ, बिल्कुल लाइट ब्लू बैकग्राउंड बिल्कुल तस्वीर की। अच्छा जी, मेडिकल सर्टिफिकेट उसका होना भी बहुत ज्यादा जरूरी और है, ये भी किसी सरकारी डॉक्टर से आपने टेस्ट करवा के जाने जिसमें लिखा होगा आपका ब्लड ग्रुप क्या है और आपको कौन कौन सी वैक्सीन किस किस तारीख को लगी है, तो ये लेकर आप डॉक्टर के पास जाएगा ताकि वो अपनी स्टैंप लगा सके। बिल्कुल, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आपने जरूर लेकर जाना है और आखिर में 50,000 रुपए ये रकम आपने अपने साथ लेके जानी है। और 50,000 रुपए की रकम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि सरकारी सतह पर बाकायदा तौर पर इस फीस का फौरी तौर पर ऐलान किया गया है, जो कि ये आपके बाकी के बजट में जब इंशाल्लाह आपके लिए अल्लाह की तरफ से बुलावा होगा तो वह उसकी उस पैकेज में इंक्लूड कर दी जाएगी। और अगर कहीं परवल तो इस तरह के कोई मामला रिपोर्ट नहीं होते लेकिन फिर भी कहीं पर खुदा ना खासा कोई आपसे ज्यादा फीस मांग रहा है, वसूली पैसों की ज्यादा करिए, तो भी आप इस मामले को रिपोर्ट। वैसे भी हज इन्फो अगर आप वेबसाइट पर जाएंगे वहां पर आप तमाम तफसीलात दर्ज करेंगे तो वहां पे ऑलरेडी आपने मेंशन करना है अपना बैंक अकाउंट आईबीएन नंबर ताकि अगर आपका नहीं नाम आता तो वो रिफंड होकर उस अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। एक चीज हमने मिस कर दी है वो है एक नॉमिनी का आईडी कार्ड, उसकी कॉपी यानी आपका ब्लड रिलेशन, आपका कोई फैमिली मेंबर उसका आईडी कार्ड उसकी कॉपी आपने लाजमी लेकर जानी है। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो प्लीज डू ट्राई योर लक, बुलावा तो नसीबों से आता है, तो कोशिश जरूर कीजिए कि अगर आपने ये सोच लिया है कि आपने अप्लाई करना है तो बस उसमें दो बातें और, एक है कि आपका जो पासपोर्ट है वो जनवरी 2023 तक वैलिड होना चाहिए, मशीन रीडेबल पासपोर्ट। इसके अलावा जो वैक्सीन है वो अप्रूव वैक्सीन होनी चाहिए। बहुत से पाकिस्तानी उन्होंने कैनसाइनो वैक्सीन जिसकी सिंगल डोज थी वो लगवाई थी, वो अप्रूव वैक्सीन नहीं है। उसके अलावा जो वैक्सीन है वो अप्रूव्ड है तो आप फाइजर की कोई डोज लगवा लीजिए अभी भी ताकि आप उस लिस्ट में शामिल हो सकें, अप्लाई कीजिए और अल्लाह करे जिस जिस ने अप्लाई किया उन सब का नाम निकले क्योंकि संडे को होनी है इंशाल्लाह इसकी कुरानदाज़ी। और जिन लोगों ने ये सेगमेंट मिस कर दिया, ये स्टोरी मिस कर दी, उनके लिए भी हम ये कह रहे हैं कि पहली स्टोरी के बाद हम ये वाली स्टोरी भी जरूर आपके साथ शेयर करेंगे अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर, सुबह पाकिस्तान के ट्विटर और इंस्टाग्राम और फेसबुक हैंडल पर, और वहां से भी आप अपनी रहनुमाई ले सकते हैं। तो बस आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं कि अल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानियां फरमाए और जिसका बुलावा है अल्लाह ताला उसके हज को कबूल फरमाए, और जिनका बुलावा इस बार अगर नहीं आ रहा तो अल्लाह ताला अगली बार उन्हें ये सआदत जरूर नसीब फरमाए। अच्छा, इसके साथ साथ जरा एक और चीज हम दोबारा से फॉलो अप में रिपीट कर देते हैं। कल जो हमने डायमंड जुबली सेलिब्रेशन के हवाले से बात की थी कि पाकिस्तान की जो 75 साल कारकर्दगी है उसके हवाले से जो एक सेलिब्रेशन हो रही है उसके लिए कहा गया है कि हमारे टैलेंटेड जो लोग हैं, जो यूथ हैं हमारी, वो सामने हैं और अगर वो एक खूबसूरत सा लोगो डिजाइन कर सकते हैं तो वो जरूर पार्टिसिपेट करें और 15 मई तक आप अपना जो डिजाइन किया हुआ लोगो है वो भिजवा सकते हैं और 5,00,000 रुपए जीत सकते हैं। जरा इंफॉर्मेशन दे दीजिएगा, वो कौन सी वेबसाइट आप बता रहे थे? dgdfpem@gmail.com इज द वेबसाइट जहां पर आपने इज द ईमेल जहां पर आपने अपनी जो एंट्री है वो इरसाल करनी है 15 मई से पहले पहले। खूबसूरत लोगो डिजाइन कीजिए पाकिस्तान के डायमंड जुबली के मौके पर, और ये सच का पाकिस्तान है और खूबसूरत सा एक मुकाबला है 5,00,000 रुपए इनाम हासिल करने के लिए। ये मुकाबला जो इसका ऐलान वफाकी वज़ीर तरातुन अशरियात मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने 2 रोज़ पहले किया था, तो वक्त कम है, 2-3 रोज़ बाकी हैं, ज़रूर आप ट्राई कीजिए, एक खूबसूरत लोगो डिज़ाइन कीजिए, वो लोगो जो कि वाकई ऐसा हो कि जो दिल को छू जाए। चलें बढ़ते हैं आगे और जो दीगर ख़बरें वो शामिल करते हैं, कुछ मुलाकातें, कुछ उनका अहवाल आपके साथ शेयर करते हैं। और पहली जो मुलाकात है वो हम जिक्र करेंगे अमरीकी नाज़िमुल उमूर एंजेला एग्लर, जिन्होंने वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से अलविदाई मुलाकात की है, चूँकि ज़ाहिर है वो जा रही हैं। तो दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने पाक अमरीका के ताल्लुकात को फ़रोग देने के अज़्म का इजहार किया है और जो अमेरिकन कंपनीज़ हैं वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें, सरमायाकारी करें, मुख्तलिफ सेक्टर्स में करें, इससे मुतालिक भी उनके दरमियान गुफ्तगू हुई है, दावत दी है वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने उन कंपनीज़ को उनके थ्रू। वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान को 64 मिलियन कोविड वैक्सीन की जो खुराकें हैं ये फराहम करने पर भी उनका शुक्रिया अदा किया। और इसी से रिलेटेड एक और डेवलपमेंट भी हम आपको बताएंगे कि चूंकि वैक्सीनेशन के हवाले से जब हम ये है तो वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब अब दूसरी आलमी कोविड वर्चुअल समिट में शिरकत इख्तियार करेंगे और इस समिट में ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कोविड के मामलात पर अपना जो है वो तासुरात का इजहार करेंगे। समिट का मकसद कोरोना वबाई अमराज के चैलेंजों से निपटने और इंसानी सेहत की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए इकदाम करना है। तो ये वो वर्चुअल समिट था जिसका कुछ विजुअल्स भी हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने शेयर की और अपने ख्यालात का बाकायदा तौर पर वहाँ पर इजहार किया और कुछ तजावीज़ भी पेशी की किस तरह से पाकिस्तान समेत दुनिया भर से कोरोना का खात्मा मुमकिन है।
जनाब अब आगे बढ़ते हैं, एक और लेटेस्ट और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट का जिक्र करते हैं जो ना सिर्फ खत्ते के एतबार से इंतहाई साजगार साबित हो सकती है बल्कि हम ये कह सकते हैं कि दोस्ती की तरफ भी पहला और मौसर कदम साबित हो सकता है। और कुछ जो तनाव सी की कैफियात थी, उसको कहते हैं कि अगर आपने खत्ते में सर्वाइव करना है तो आप अपने आस पड़ोस के लोगों का भी ख्याल रखते हैं। तो उस पर हम आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने भारत में होने वाले शंघाई तावुन तंजीम कमेटी इजलास में शिरकत का ऐलान कर दिया है। और तर्जमान दफ्तर खारजा आसिम इफ्तखार साहब के मुताबिक शंघाई तावुन तंजीम की कमेटी इजलास में पाकिस्तानी वफ्द शिरकत करेगा। बिल्कुल ऐसे ही है, और इससे मुतालिक ये भी कहा गया है कि मकबूजा कश्मीर में जो गैर कानूनी हदबंदी है और उस कमीशन की रिपोर्ट को मुस्तरद किया गया दफ्तर खारजा की तरफ से, और कहा है कि आलमी बिरादरी इस्लामोफोबिया के जो बढ़ते वाकयात हैं वहाँ पर उसका नोटिस ले। चलें आगे बढ़ेंगे, और अब बात हम पंजाब ही करते हैं और उस सूबे में जिस तरह हम देखते हैं गर्मी का मौसम आ रहा है, अब ज़रा डेंगी पर भी काबू पाने के लिए कुछ इकदाम लेने होंगे। और वैसे भी पंजाब ने हमेशा इस पर लीड ली है माजी में, बिलखसूस जब शहबाज शरीफ साहब वहाँ पर वज़ीर आला थे तो वो बहुत एक्टिव थे डेंगी के मामला को लेकर। अब उनके जो साहिबजादे हैं जो कि इस वक्त वज़ीर आला पंजाब में, हमदर शहबाज साहब मैदान में आ चुके हैं, उन्होंने कहा है कि जो 2011 में मामला थे जिस तरह से डेंगी के खिलाफ काबू पाया गया, बिल्कुल उसी को रेप्लीकेट किया जाएगा। अब उसी तरह से ऑन टोज हम इसको देखेंगे कि कैसे इन सदावे डेंगी करना है, इस मुहिम को चलाना है, अस्पतालों को देखना है, हालात को देखना है, स्प्रेस को देखना है, लोगों को आगाही फराहम करनी है ताकि हम अपनी सेहत को बेहतर से बेहतर बना बिल्कुल सकें। और जिस पैटर्न का आप जिक्र कर रहे हैं उस पैटर्न को अगर हम वन बाई वन लेकर चले तो उस पैटर्न पर यूनियन काउंसिल, तहसील सतह, जिला और डिविजन की सतह पर इंसदादे डेंगी कमेटियों को फाल किया जाएगा और इन कमेटियों का इजलास बुलाकर एसओपीज पर मिनोन अमल करने के हवाले से न सिर्फ हिदायत जारी की जाएंगी बल्कि इस तमाम तरह मामले को मॉनिटर भी जाएगा। और इस सिलसिले में वज़ीर आला पंजाब जनाब हमजा शहबाज शरीफ साहब ने तमाम महकमों को हिदायत भी जारी कर दी है कि किस तरह से इस मामले पर उन्होंने अपने दीगर दारों की मुआवनत करनी है। बिल्कुल ऐसे ही तो ऐसे में अब जरा कुछ एक जो आस पड़ोस की जब हम लोग मामला शेयर करते तो अफगानिस्तान का जिक्र भी जरूर करेंगे कि वहां पर सरकारी न्यूज एजेंसी ने उर्दू सर्विस भी जल्द शुरू करने का ऐलान किया है। ये बहुत एक अच्छा फैसला है, एक अच्छा इनिशिएटिव है जो कि अफगानिस्तान की तरफ से लिया जा रहा है। और अफगानिस्तान की सरकारी न्यूज एजेंसी बाख्तर ने, बाख्तर है अच्छा जी, ये सरकारी न्यूज एजेंसी जो है इसने ट्विटर बयान में कहा है कि उर्दू सर्विस जल्द शुरू की जाएगी। और बाख्तर न्यूज एजेंसी इससे पहले पश्तो, दरी, इंग्लिश, अरबी और रूसी जबान में खबरें फ्राहम कर रही थी। तो ये एक अहम मामला है क्योंकि हमने देखा है कि अभी माजी में अभी रिसेंटली जो मामला जो वाकयात अफगानिस्तान में रूनमा हुए हैं, ऐसे में पाकिस्तान की तरफ से जो अमन का हाथ, दोस्ती का हाथ, तावन का हाथ बढ़ाया गया और पाकिस्तानी दोस्तों ने, पाकिस्तानी बहन भाइयों ने, पाकिस्तानी हुकाम ने जिस तरीके से भरपूर तावन की यकीन दहानी करवाई, ऐसे में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि यहाँ पर हुनलानात और मामला को सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। और वहां पर जो लोग मौजूद हैं वो भी अगर किसी और जबान से वाबस्ता नहीं है लेकिन उर्दू समझ सकते हैं तो दोनों जो ममालिक हैं इनके दरमियान न सिर्फ ताल्लुकात में बेहतरी आ सकती है बल्कि जो लोग रहने वाले हैं वो भी एक दूसरे को समझ और सुन सकते हैं। ट्रू, सलेह मूड को थोड़ा चेंज करते हैं, कुछ और खबरें शामिल करते हैं और हम एक ऐसे हीरे की बात करेंगे जिसे कहा जा रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा और तारीखी अहमियत का ये हीरा है। सफेद ये हीरा है, रॉक इसका नाम रखा गया है और $3 करोड़ में नीलामी का इम्कान है। जनूबी अफ्रीका की कान से ये हीरा निकाला गया है, वज़न इसका 228 कैरेट है और इस हीरे ने जब हम कहें धूम तो मचाई है और इसकी नीलामी जो है जिनेवा के एक नीलाम घर में जो है वो होगी। लेट्स सी जी, जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है $3 करोड़ उसी में हो जाता है या कि उससे बढ़ जाता है ये मामला। और यहीं से अब आपको हम ज़रा लेकर चलते हैं न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क ले जाने का मकसद यह कि वहाँ पर आज चूहों का राज, yes. चूहे क्या कर रहे हैं वहाँ? चूहों ने बात तबाही मचाई हुई है, वो कोरोना की वबा ने तो शहर में बड़ी तबाही मचाई थी, वो बात अब हुई पुरानी। अब इस वक्त हम देख रहे हैं कि चूहों की बहुतात इसलिए भी शायद है चूंकि कोविड के बाद थोड़े से वहाँ पे ना पॉपुलेशन का कह लें या जो बहुत ज़्यादा आबादी थी वो थोड़ी कम हुई, लोग कोविड की वजह से थोड़ा शहर से कम तो लिहाजा चूहों ने वहां पर आके उन्होंने कहा यहां पर कोई नहीं है तो हम पार्टी करनी शुरू कर दी। और जब आप इस जिक्र मुझे कर रहे थे ना तो मुझे एक मूवी याद आ रही, उसका नाम तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा लेकिन उसमें भी एक रैट कॉलोनी का जिक्र किया गया था। चूहा अच्छा, उसमें अच्छे चूहे भी थे और बुरे चूहे भी थे, ये एक बड़ा मुझे अलग सा कॉन्सेप्ट नजर आया। अच्छा, और उसमें दो डिफरेंट कैटेगरीज थी, याद है वो वकास जो हमारे प्रोड्यूसर हैं उनसे भी इसका जिक्र हो रहा था कि माउस की कैटेगरी अलग होती है, रैट की कैटेगरी अलग होती है। बहरहाल ये एक मूवी है, मैं कल नाम सोच के आऊंगी और आप लोगों को बताऊंगी भी
वो कौन सा नाम है, लेकिन जरा उस शहर का जिक्र करते हैं न्यूयॉर्क के, जहाँ पर सड़कें गलियाँ वीरान हो गई और चूहे जो हैं वो अपने डेरे डाल चुके हैं, और शहरों को खिदमत पहुँचाने वाली हॉटलाइन 311 पर 7400 से ज्यादा कॉल्स मौजूद हुई हैं। अब अंदाजा करें घर में एक चूहा आ जाए तो घर वाले बाहर और चूहा अंदर होता है, ठीक है, और घर के जो भाई हैं, अब्बा हैं या कोई भी ऐसी दबंग बहन होती है वो उसका कुछ हाथ में पकड़ा हुआ होता है, चूहे की पिटाई के लिए आगे पीछे भाग रहे थे, बाकी पूरे गली में जो वो तमाशा लगा हुआ होता है। तो सोचेंगे शहर में आ गए हैं तो 7400 कॉल्स मौसूल नहीं होंगे तो और क्या होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। चलें जी बढ़ते आगे, एक और खबर हमारे पास है और वो है एक ऐसे रोबोट से मुतालिक जिसमें इतनी सलाहियतें हैं कि वह एक कार को एब्स्ट्रैक्ट आर्ट में तब्दील कर देता है, यानी कार का जो आउटर है उसमें एब्स्ट्रैक्ट आर्ट वो क्रिएट करता है। तो अब उससे ज़रा स्टार्ट तो ये हुआ है बर्तानिया से कि स्प्रे से वो एक एब्स्ट्रैक्ट आर्ट कर रहे हैं रोबोट, लेकिन ज़ाहिर है दिस इज़ अ न्यू स्टार्ट, और ये जब आगे आने वाले दिनों में वक्तों में और शहरों में और मुल्कों में होगा तो फिर डिफरेंट इसमें हम देखेंगे कि तख्लीकी सलाहियतें इस रोबोट की होंगी, और फिर कार आपकी मर्ज़ी के रंग में, आपकी मर्ज़ी के अंदाज़ में, आपको जो क्रिएटिव अंदाज़ भाता है वो आपकी कार के आउटर साइड पर नज़र आएगा। ये तो हमने बात रोबोट की है, लेकिन क्यों ना कुछ खाने पीने की बात की। बिल्कुल बिल्कुल, आज वैसे हमने तरबूज के बाद एक और खाने पीने के लिए आपकी डिश का जो है वो थोड़ा सा राइट आफ्टर वाटरमेलन, राइट आफ्टर वाटर, मीठे के बाद तीखा होना चाहिए, क्या बात है, ठीक है ना। तो मीठे के बाद तीखे में आज हम उड़ाएंगे बारबेक्यू की दावत, लेकिन वो सिर्फ आंखों से होगी क्योंकि खास कोई और आए। अब आपको ये बताएंगे कि रियासत पारा में एक शहर की, अब ये ब्राजील की रियासत है जनाब, वहां पे एक शहर की 34वीं सालगिरह को सेलिब्रेट किया गया, और सेलिब्रेशन के मौके पर वहां के जो शहरी हैं उन्होंने ये डिसाइड किया कि कोई ना कुछ इस दफा ऐसा किया जाए कि बारबेक्यू का एहतमाम किया जाता है। अब लिहाजा जब बारबेक्यू का एहतमाम होना था तो उन्होंने कहा कि पूरा शहर जो है वो बारबेक्यू की दावत उड़ाएगा, तो लिहाजा वहां पर दुनिया का सबसे बड़ा बारबेक्यू का जो इन्विटेशन है वो लोगों को मौसूल हुआ और लोगों ने उसे जो है वो खाकर उसके मजे उड़ाए हैं। जरा ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग मुझे स्टोरी लग रही है सना, अगर आप इसका विजुअल हमें फुल स्क्रीन पर दिखा दें तो हम आंखों से ही इस दावत को उड़ा लें। ये देखें जनाब, सीखों में लगे हुए हैं और सीखे भी बड़ी बड़ी वो जो बारबेक्यू होल्डर होते हैं, और इतनी मेरे ख्याल में अब ये नहीं पता ये सारा सिर्फ मुर्गियों का बारबेक्यू है या इसमें मुख्तलिफ जो है मीट और मटन और बीफ इसका भी इस्तेमाल किया गया है, लेट्स सी कि इसमें क्या है, लेकिन जो भी है बड़ा इंटरेस्टिंग है। जबरदस्त, चलें जी वापस आ जाएं और क्विक हम आपको स्पोर्ट्स अपडेट भी दे देते हैं कि ख्वातीन स्पोर्ट्स के मैदान में क्या कर रही हैं, बिलखुसूस अगर हम पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम की बात करें तो क्या अपडेट है हमारे पास। हमारे पास अपडेट ये है कि जनाब हमारी बड़ी ही प्यारी पाकिस्तान की जो क्रिकेट बोर्ड है उसने बिस्मा मारूफ, हमारी बहुत ही खास है, खास इसलिए है क्योंकि उनकी बहुत सारी वीडियो जब भी वायरल होती है तो सब बड़े इंटरटेन होते हैं, लिहाजा 2022-23 के लिए कौमी ख्वातीन क्रिकेट टीम की कप्तान बरकरार रखने का फैसला चेयरमैन पीसीबी की जानिब से किया गया है, और इस सीजन के दौरान पाकिस्तान को एसीसी वुमेन्स टी20 एशिया कप और आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप समेत 25 मैचेस खेलने हैं। तो बिस्मा मारूफ आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं, ये बहुत बड़ी कारकर्दगी है और बहुत बड़ा मरहला है जिसको आपने ना सिर्फ पार करना है बल्कि कामयाब भी बनाना है। इस पे एक रिपोर्ट है, आइए आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बिस्मा मारूफ को सीजन 2022-23 के लिए कौमी ख्वातीन क्रिकेट टीम की कप्तान बरकरार रखने का ऐलान कर दिया है। इस सीजन के दौरान पाकिस्तान को आईसीसी वेमेंस टी20 एशिया कप और आईसीसी वेमेंस टी20 वर्ल्ड कप समेत 25 मैचेस खेलने हैं। सीजन का आगाज रवामा श्रीलंका के खिलाफ कराची में शेड्यूल 3 टी20 और 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज से होगा, जिसके बाद कौमी ख्वातीन क्रिकेट टीम बेलफास्ट आयरलैंड रवाना हो जाएगी, जहां वो मेजबान आयरलैंड और वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सह मुल्की टी20 सीरीज में शिरकत करेगी। ये सीरीज 12 से 24 जुलाई तक खेली जाएगी। सह मुल्की सीरीज मुकम्मल करने के बाद कौमी ख्वातीन क्रिकेट टीम बिस्मा मारूफ की क्यादत में बर्मिंघम रवाना होगी, जहाँ इसे 25 जुलाई से 8 अगस्त तक शेड्यूल कॉमनवेल्थ गेम्स में शिरकत करनी है। आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 की तरह बिस्मा मारूफ बेलफास्ट और बर्मिंघम भी अपनी बेटी और
والدہ کے ہمراہ روانہ ہوں گی۔ پی سی بی اپنی پیرنٹل سپورٹ پالیسی کے تحت یہ اخراجات برداشت کرے گا۔ پھر اکتوبر میں آئرلینڈ کی ویمنز کرکٹ ٹیم کو پہلی مرتبہ پاکستان کا دورہ کرنا ہے۔ دورے میں 3 T20 اور 3 ون ڈے انٹرنیشنل میچز شامل ہوں گے۔ اس کے بعد قومی خواتین کرکٹ ٹیم کو ICC ویمنز T20 ایشیا کپ میں شرکت کرنا ہوگی۔ اس کے فوری بعد پاکستان ویمنز ٹیم آسٹریلیا پہنچے گی، جہاں وہ ICC ویمنز T20 ورلڈ کپ سے قبل میزبان ملک کے خلاف 3 T20 اور 3 ون ڈے انٹرنیشنل میچز کی سیریز کھیلے گی۔ قومی خواتین کرکٹ ٹیم کی کپتان بسمہ معروف کا کہنا ہے کہ اپنے ملک کی قیادت کرنا کسی بھی کھلاڑی کے لیے اعزاز ہوتا ہے اور انہیں خوشی ہے کہ وہ اس عہدے پر کام جاری رکھیں گی۔ انہوں نے کہا کہ اس سیزن میں شیڈیول ہر میچ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ سیزن میں شامل دو طرفہ ون ڈے انٹرنیشنل میچز پاکستان ویمنز ٹیم کی آئندہ ICC ویمنز ورلڈ کپ میں براہ راست رسائی کی صورتحال واضح کر دیں گی۔ چلیں جی، اسپورٹس سے ہی جڑی ایک اور خبر ہے ہمارے پاس، اور وہ یہ ہے کہ فیفا ورلڈ کپ کی ٹرافی اس وقت سفر پر روانہ ہو چکی ہے، گھومنے پھرنے کا ارادہ رکھتی ہے، 51 ملکوں کا سفر کرے گی، اور ٹرافی کس ملک کے حصے میں آئے گی، کس ٹیم کے حصے میں آئے گی، اس کا فیصلہ تو ابھی بہت بعد میں ہوگا، چونکہ 21 نومبر سے قطر میں فیفا ورلڈ کپ کا آغاز ہونا ہے، لیکن اس کی ٹرافی کی رونمائی، اس کی ٹرافی کا یہ سفر ہے جو کہ ایک ٹریڈیشنل ظاہر ہے جرنی ہوتی ہے، ہمیشہ سے ہم اسی طرح دیکھتے ہیں، تو وہ سٹارٹ ہو چکی ہے۔ ایک بریک کی طرف بڑھیں گے، ہمیں بھی ایک سفر پہ روانہ ہونا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، ایک سفر پہ روانہ ہونا ہے تو بریک لیتے ہیں، واپس آئیں گے، ساتھ رہیے۔ السلام علیکم، میں ہوں سمن انصاری اور آپ دیکھیں گے مجھے بطور مائی لالی آنے والے ڈرامہ سیریل دشمن میں۔ دشمن ہے داستان محبت کی، اور محبت سے کی جانے والی بے انتہا حقارت کی۔ اس کے ساتھ وابستہ بہت ساری یادیں، کچھ بہت حسین اور ایک روح ہلا دینے والا حادثہ۔ سب سے زیادہ خیال آتا ہے نائلہ جعفری جی مرحومہ کا، یہ ان کا آخری پروجیکٹ تھا، اور ان کے ساتھ کام کرنے میں اس قدر محبت بھرا احساس ملا ان سے۔ ضرور دیکھیے گا ڈرامہ سیریل دشمن، مئی 16 2022 سے صرف پی ٹی وی ہوم۔ کھیلوں کی دنیا اب آپ دیکھیں گے ایک نئے انداز میں، چاہے بات ہو کرکٹ کے بڑھتے جنون کی یا فٹ بال کی دنیا کے جوش کی، ہم لائے ہیں آپ کے لیے سب، تبصروں سے لے کر کھیل کے ابھرتے ہوئے ستاروں، کھیلوں میں خواتین کے جمتے ہوئے قدم، NBA موٹر اسپورٹس اور دیگر کھیلوں پر گفتگو، ہار اور جیت کا ہر زاویہ ہم لے کے آئے ہیں آپ کے لیے۔ دیکھتے رہیے سپورٹس 360 صرف پی ٹی وی نیوز پر۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے تنازعات کی، آج ہم بات کریں گے ڈسپیوٹس کی، اور چونکہ جب ہم بات کسی تنازع کی کرتے ہیں، کسی بڑے چھوٹے سے معاملے کو لے کر بھی اگر ہم چلیں، یعنی
अगर फॉर इंस्टेंस आपके फैमिली में आपके किसी और मामले में कोई ऐसा तनाज़ा खड़ा हो गया जिसकी वजह से आपको कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ गया, जिससे मुतालिक हम अमूमी तौर पर एक बात करते आए हैं कि हमारे अदालती निज़ाम की जब हम बात करें तो अदालत पर दबाव बहुत है, केसेस बहुत ज़्यादा हैं, हमारा सिस्टम उन तमाम केसेस को उस तरीके से डील नहीं कर पाता। कोशिश हमेशा हुई है, होती रही है कि केसेस जल्द से जल्द निपटाए जाएँ, लेकिन बहरहाल बहुत से मामला ऐसे जिसकी वजह से केसेस तवालत का शिकार हो जाते हैं। फिर इसीलिए हम कहते हैं कि जस्टिस डिलेड, एंड व्हेन जस्टिस इज डिलेड इट्स डिनाइड। तो जब हम बात करें तनाज़ात की और हम बात करें कि अगर अदालती निज़ाम में मामलात कुछ ऐसे हैं कि जल्द फराहमी नहीं है, फौरी फराहमी नहीं है इंसाफ की, तो अल्टरनेट क्या है, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, हम बात आज इसकी करेंगे। कितनी इसकी अहमियत है, कितनी इसकी ज़रूरत है, कितना इसका स्कोप है, क्या ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल यानी एक कानूनी पहलू है इसका, क्योंकि ज़ाहिर है जब हम बात करते हैं अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की, एक फौरन से टर्म जहन में आती है, वो आती है जिरगा की। बिल्कुल, जिरगा या पंचायत का मामला जो है वो जेरे बहस आता है, जो कि हमें अक्सर देहातों में, अंदरून में, कस्बों में, टाउन्स में नजर आता है, लेकिन लीगली इसकी कोई हैसियत नहीं है। और जिस अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की हम लोग बात करें, ADR सिस्टम, ये चलता कैसे है, इसको चलाने वाले कौन है, यहाँ पर खदमात कौन सा अंजाम दे चुके हैं, और दूसरा ये भी कि इसके होते हुए हम ये मैं तो दावे से कह सकती हूँ कि अभी भी हमारे निस्फ आबादी जो है वो इससे जो है मुकम्मल तौर पर वाकिफ नहीं होगी। लेकिन इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। हमें आज ज्वाइन कर रहे हैं फॉर्मर जज जफर शेरवानी साहब। सर अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं शेरवानी साहब? ये टर्मिनोलॉजी जो अभी हमने ADR की यूज की कि अदालतों के बाहर भी फैसले होते हैं, लेकिन उसमें देखा यह जाता है कि कानूनी पहलू मौजूद हो, बाय लॉ उस चीज को लेकर आगे चला जाए, लेकिन इस मिसालती कम्युनिटी या जो दीगर अवामे इसमें दरपेश हैं, क्या इसमें जिरगे और पंचायत की भी कोई गुंजाइश मौजूद है? इसका तासुर है ही नहीं इस लॉ के थ्रू। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अहम मौजू का ये चुनाव किया है, चूँकि आवाम में हमारे मुल्क में जहाँ दूसरे मसाइल हैं वहाँ पर ये अदालती जो निज़ाम है वो भी एक मसला बना हुआ है। लोगों को जो है वो जितनी जल्द इंसाफ मिलना चाहिए उतना जल्द नहीं मिलता, और हुकूमत भी बहुत कोशिश करती है, हर आने वाली हुकूमत कहती है कि हम इसमें रिफॉर्म्स लेके आएंगे, लोगों को जल्दी इंसाफ मिलेगा, लेकिन मसला हल हो नहीं पाता और लोग परेशान हैं। तो इस वजह से आपका ये टॉपिक लोगों को आगाही देगा कि वाकई कोर्ट से हटके भी कोई एक किसी चीज़ है जो कानून की नज़र में भी बहुत अहम है और जल्द अज जल्द मसले हल हो सकते हैं। तो ADR का आपने बात की, बिल्कुल ADR अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एक निज़ाम है जो आपके अदालती निज़ाम के साथ साथ चलता है। ओके, एग्जिस्ट कर रहे हैं सर? जी एग्जिस्ट करता है और बहुत पुराना एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और पाकिस्तान में नहीं सारी दुनिया में एग्जिस्ट करता है, और दुनिया की और ममालिक में जो अदालतें हैं जहाँ पर एफिशिएंट कोर्ट्स कहते हैं जिनको, वो एफिशिएंट इसी वजह से होती हैं कि वहाँ पे ADR का निज़ाम बहुत कम्प्रिहेंसिव तरीके से चल रहा होता है। और अदालतों में तो लोग जो हैं वो शाज़ नादर ही जाते हैं, बड़े बड़े पैसों वाले लोग जाते हैं, क्योंकि वहाँ के अदालती निज़ाम इस तरह से हैं कि अगर अदालत से आपके खिलाफ फैसला आ जाए तो आप बैंकरप्ट हो जाते हैं। हमारे यहाँ तो चूंकि अदालती निज़ाम बहुत सस्ता सा है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, कि अगर चले मैं एक हार गया, चले मैं फिर अपील करूँगा, चले जी मैं फिर अपील करूँगा, मैं सामने वाले को जो है मैं जी ज़मीन पर उसकी नाक रगड़वा दूँगा, इस किस्म के रुझानात हैं ना। लेकिन दुनिया में तो कोर्ट में जाना एक बहुत बड़ी मुश्किल बात होती है, वहाँ पर अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बड़ा इफ़ेक्टिवली काम कर रहा होता है। हमारे यहाँ अदालती निज़ाम के साथ साथ एक ADR सिस्टम मौजूद है, लेकिन लोगों को पता नहीं है, लोगों को आगाही नहीं है। एक तो उसमें कसूर हमारा अपना कल्चर है, क्योंकि हम लोग कबीले की सोसाइटी रखते हैं और रूरल एरियाज़ में लोग इसी तरीके से रहते हैं कि भाई हमने किसी से अगर दुश्मनी करनी है तो उसकी नस्ल को भी नहीं छोड़ना, और बस इसी तरीके की बातें होती हैं। तो लोग मसले के हल की तरफ कम जाते हैं और मसले को उलझाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, लेकिन जो लोग अपना मसला सुलझाना चाहते हैं उनको आज भी तलाश होती है। तो ADR जो है वो एक टर्म है जिसमें मुख्तलिफ किस्म के रेजोल्यूशन सिस्टम है।
अच्छा, मतलब कौन कौन से सिस्टम जी है? उसमें सबसे पुराने जो एक कानूनी पहलू है उसमें एक आर्बिट्रेशन होता है। ठीक है, आर्बिट्रेशन उमूमन कमर्शियल केसेस में होता है और आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 से यहाँ पे नाफिज है। और आर्बिट्रेशन में ये होता है कि पार्टीज पहले से एग्रीड हो जाती हैं कि अगर हमारे दरमियान कोई डिस्प्यूट हुआ तो हम कोर्ट में नहीं जाएंगे बल्कि हम आर्बिट्रेशन के ज़रिए इस मसले को हल करेंगे। तो उसमें फिर कोर्ट जो है अपने हाथ उठा लेती हैं कि भाई आप पहले से एग्री कर गए, आप जाइए आर्बिट्रेटर के पास। तो आर्बिट्रेटर जो होता है वो एक न्यूट्रल पर्सन होता है जो दोनों के केसेस आउटसाइड द कोर्ट चलाता है। जैसे कोर्ट में चलते हैं केसेस ऐसे आर्बिट्रेटर के पास। ये जो आर्बिट्रेटर के आपने टर्म यूज किए कि आपने कहा नहीं कमर्शियल मामलात को देखते, तो कमर्शियल में तो फिर हमारे बिजनेस मामलात आ जाते हैं, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स के मामलात आ जाते हैं, तो क्या इसकी बाइंडिंग उस वक्त की जाती है जब हम कोई मुआहदा या कोई एमओयू साइन करें कि कभी भी कोई मसला हुआ तो हम कोर्ट नहीं जाएंगे, हम एडीआर की तरफ इन सोर्सेज की तरफ चलेंगे? जी, आप जिस वक्त एग्रीमेंट कर रहे होते हैं कमर्शियल में उसमें लिख सकते हैं, लेकिन बाद में भी अगर फर्ज करें कोर्ट में कोई चला गया तो वहाँ पर भी अगर पार्टीज एग्री करें कि भाई साहब आप ये केस हमें आर्बिट्रेशन के जरिए हम रिजॉल्व करना चाहते हैं तो आर्बिट्रेशन आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर जाता है। कोई पाबंदी नहीं है, फिर कोई पाबंदी नहीं है। जाना किसके पास है? आर्बिट्रेटर, पार्टीज दोनों एग्रीड हो जाती हैं कि ये आर्बिट्रेटर है। अच्छा, नहीं वो तय कौन करता है कि ही इज द आर्बिटर? पार्टीज आपस में मिलके, मतलब जो लोग उस फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं, उसमें जरूरी नहीं है कोई जज हो या कोई वकील हो। फर्स्ट करें मेरे इंजीनियरिंग का मामला है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का मामला है, अब वो टेक्निकल इश्यूज हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, कोर्ट में आ गया तो कोर्ट के जज के पास तो टेक्निकल नॉलेज नहीं होती। ठीक है, तो वो ये कहते हैं जी कि हम फला इंजीनियर को आर्बिट्रेटर अपॉइंट करते हैं और आप ये मैटर आर्बिट्रेटर के पास भेज दें। कोर्ट भी अपॉइंट कर सकते हैं? कोर्ट भी अपॉइंट करता है विद द कंसेंट ऑफ द पार्टी। लेकिन उसके बाद जब आर्बिट्रेटर के पास चले गए और मामला हल हो गया, दोबारा कोर्ट तो नहीं जाना? नहीं, तो फिर वो जो एग्रीमेंट हुआ उसमें सेटलमेंट या अवार्ड जो हुआ, जो आर्बिट्रेटर जो जजमेंट होता है उसको अवार्ड कहते हैं। ठीक है, उसने अवार्ड दिया, उसने जैसे कोर्ट ने जजमेंट दिया वो अपना अवार्ड कोर्ट में भेज देता है, फिर कोर्ट उसको डिक्री ऑफ द कोर्ट बना देता है। ठीक है, ठीक है, तो वो फिर एक मामला खत्म हो जाता है। अच्छा, जैसे आर्बिट्रेशन एक हिस्सा है एडीआर का, इसी तरीके से मीडिएशन है। मीडिएशन में ये होता है कि एक न्यूट्रल पर्सन होता है जो एक्सपर्ट होता है, मेडिएशन स्किल होती है लोगों को, मतलब वैसे तो हमारे माशरे में देखते ही हैं कि बहुत आम है कि किसी का दोस्त के चले भाई मैं आपका समझौता करा देता हूँ, बिल्कुल ऐसे ही, या दो कोई बीच में बड़ा बुजुर्ग बैठ गया और बुजुर्ग बैठ के उन्होंने आपस में भाई मामला सुन ली, उसकी भी सुन ली और वो उन्होंने, तो वो सब मीडिएटर ही होते हैं। लेकिन ये जो एडीआर के तहत मीडिएशन होता है इसमें जो मीडिएटर्स होते हैं ये स्किल्ड मीडिएटर्स होते हैं, सर्टिफाइड मीडिएटर्स होते हैं, उनकी ट्रेनिंग हुई होती है, वो लोगों को समझते हैं, लोगों की साइकोलॉजी समझते हैं, लोगों के मसाइल को किस तरीके से हल करना है। ये उसके बारे में कौन से इश्यूज डील करेंगे सर, जिस तरह आपने आर्बिट्रेशन में कमर्शियल इश्यूज कहा, यहाँ पे क्या है? देखिए, मैंने कहा आर्बिट्रेशन में कमर्शियल इश्यूज ज्यादा आते हैं, ज्यादा, लेकिन जरूरी नहीं है। अच्छा, ठीक है, ये एडीआर कोई एक स्पेसिफिक कोई खास किस्म के डिस्प्यूट्स के लिए नहीं है। ठीक है, ये टर्म्स हैं डिफरेंट, बिल्कुल, जो हर किस्म के डिस्प्यूट में इस्तेमाल हो सकते हैं, हर एक अपना अपना स्कोप है। आर्बिट्रेशन का अपना स्कोप है, मीडिएशन का अपना स्कोप है, या फिर आप आगे चले थर्ड टर्म होती है कंसिलिएशन, कंसिलिएशन का अपना एक तरीकेकार है, एक स्कोप है। फिर ये कि केस की नौइयत को देख के आप जो है वो कंसल डिपार्टमेंट को केस रेफर कर देते हैं? नहीं, मसलन ये है कि केस के मसले को देख के पार्टीज चूज करती हैं कि कौन सा फोरम मैं अपनाऊं, ठीक है, मैं कौन सा फोरम अपनाऊं, ठीक है, मैं आर्बिट्रेशन के लिए जाना चाहता हूं, मैं मीडिएशन के लिए जाना चाहता हूं, मैं कंसिलिएशन के लिए जाना चाहता हूं, क्योंकि तीनों के चारों के आगे चल के और बहुत सारी इसकी किस्में आ जाएंगी जो इतनी कॉमन नहीं है, जिक्र करना बेकार है, लेकिन ये तीन जो है आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एंड मीडिएशन, ये तीनों टर्म जो है वो इस्तेमाल होती है डिफरेंट टाइप ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट, कोई भी डिस्प्यूट हो, चाहे फैमिली डिस्प्यूट भी, चाहे फैमिली डिस्प्यूट हो, चाहे कमर्शियल डिस्प्यूट हो, चाहे इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का डिस्प्यूट हो। लेकिन सर ज्यादातर आपने क्या देखा, कौन से डिस्प्यूट्स थे जो कि ज्यादा अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के जरिए हल हुए? देखे, मैंने कहा ना कि आर्बिट्रेशन से रिलेटेड तो लॉ मौजूद है 1940 से। ठीक है, ठीक है, वो जरा टेक्निकल है। ठीक है, मतलब टेक्निकल इस लिहाज से है
कि आर्बिट्रेटर होता है, आर्बिट्रेटर की फ़ीस, आर्बिट्रेटर जो है वो बड़ा एक्सपर्ट होता है अपनी फील्ड का और उसकी उसका एक मतलब एक्सपीरियंस होता है और वो फिर अवार्ड देता है, अवार्ड उसमें फिर वकील एंगेज होते हैं, वो ज़रा टेक्निकल है। वकील एंगेज होकर बिल्कुल वो जो कोर्ट प्रोसीडिंग चल रही होती हैं वो आर्बिट्रेटर के सामने चल रही होती हैं, एविडेंस एक्ट होता है, लोग अपनी गवाहियाँ लाते हैं, फिर उसमें आर्गूमेंट होते हैं, तो उधर टेक्निकल है, लंबा है। मेडिएशन इज नॉन टेक्निकल। ठीक है, मेडिएशन में सबसे बड़ी बात जो होती है वो कॉन्फिडेंशियलिटी होती है। जो सबसे बड़ा एलिमेंट है मेडिएशन का वो कॉन्फिडेंशियलिटी है। मसलन अगर मैं मीडिएटर हूँ और आप दोनों के दरमियान कोई डिस्प्यूट है और आप मीडिएशन के ज़रिए उसको रिजॉल्व करना चाहते हैं, एक तो ये कि आप दोनों की कंसेंट होनी चाहिए। ठीक है कि वी वांट टू रिजॉल्व दिस डिस्प्यूट, ये तो प्राइमरी थ्रू मीडिएशन, कंसेंट के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। फिर आप मीडिएटर आ गए तो मैं एज ए मीडिएटर आपको एक अंडरटेकिंग दूंगा कि आप जो कुछ भी मेरे सामने डिस्क्लोज करेंगे फैक्ट्स, दैट विल रिमेन कॉन्फिडेंशियल। ठीक है, इवन द कोर्ट कैन नॉट आस्क मी टू प्रोड्यूस द एविडेंस विच यू रिकॉर्डेड। ये कॉन्फिडेंशियल एलिमेंट जो है ये एक सक्सेस का एक बेहतरीन बहुत है, बात है कि आप अपने सारे दिल की बातें मीडिएटर के सामने कहते हैं। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मीडिएशन जो है वो इन कैमरा होती है। I was about to use that term कि तो इन कैमरा ही हो गया मामला। जी, और जो है वो ऐसा नहीं होता कि दोनों पार्टीज बैठ के, कम होता है ऐसा। बिल्कुल ठीक, वो आखिर में होता है कि जब किसी डिस्प्यूट जब मामला जो है वो राइप हो गया रिजोल्यूशन की तरफ, जब तो फिर आप दोनों साथ बैठ जाए। वरना बाज़ औक़ात ये होता है कि लोग बड़े जज्बात में होते हैं, इस किस्म के गुफ्तगू हो जाती है कि दूसरा मामला खराब, पार्टी जो है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और मामला ख़राब हो सकता है। तो इस लिहाज से वो मीडिएशन की कॉन्फिडेंशियलिटी होती है। फिर एक एग्रीमेंट होता है मीडिएशन का, अगर सेटलमेंट हो गया तो एग्रीमेंट हो जाता है, वो एग्रीमेंट कोर्ट में चला जाता है और कोर्ट उसको डिक्री बना देता है, नाउ इट इज फाइनल। अच्छा सर, टॉपिक के स्टार्ट होने से पहले मुझमें ये एक तासुर था कि शायद ये वाला जो मामला था ना, ये शायद जिलाई सतह पर टाउन्स में या फिर अंदरून में और देहात में एक ये चीज़ आ रही थी, क्योंकि ऑर्डर एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, चूंकि आपने बताया कमर्शियल नौत के मामला भी हैं, दीगर और मामला भी हैं, तो इसका मतलब ये सिस्टम ऑल ओवर द पाकिस्तान किसी भी शहर में जो है वो कारामद साबित हो सकता है और चल भी रहा है, कारामद भी हो जाता है और इफेक्टिव भी होता है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आप देखें कि जिस तरीके से हेल्थ सेक्टर है, प्राइमरी हेल्थ यूनिट होता है कि आपके गांव देहात में अगर कोई बीमार है तो प्राइमरी हेल्थ यूनिट में जाकर डॉक्टर बैठा हुआ है और उसने उसको मसले को उसी तौर से देख लिया, लेकिन अगर उससे मसला हल नहीं होता तो फिर वो शहर में किसी स्पेशलिस्ट को पास भेज देता है। इसी तरीके से जो मीडिएशन सेंटर्स हैं वो डिफरेंट, मतलब प्लेटफॉर्म डिफरेंट होते हैं, वो हर जगह बन सकते हैं और हैं भी, कि लोगों के मसले हुए गांव के सतह पे या घर में फैमिली में, तो वो उसके पास चले गए मीडिएशन में, मीडिएटर के पास, क्योंकि लोकल बॉडीज एक्ट भी ये मीडिएशन को कवर करती है। बिल्कुल ठीक है, तो वो वहाँ पे चले गए, वहाँ पे मसला हल हो गया। अगर वहाँ पे मसला हल नहीं होता तो कहते हैं जी कि अब मुझसे तो मसला हल नहीं हो रहा, आप या तो शहर में जाके कोर्ट में जाए। बिल्कुल ठीक है, फिर वो एक दूसरी ऑप्शन, तो वो सब चीज़ें हो रही हैं, होती हैं। सर इसमें एक बात ये भी, चूँकि गाँव देहात की बात भी हो रही है, क्या ये एक महंगा निज़ाम है, क्या इसमें ख़र्च ज़्यादा आता है, और एट द सेम टाइम अगर कोई ऐसा शख्स है जिसके पास जो कमज़ोर है लेकिन वो ज़्यादा डिस्प्यूट्स तो किसी के साथ भी हो सकते हैं, तो क्या ये सिस्टम उसे फैसिलिटेट करता है कि अच्छा उसकी रकम भी ना लगे और उसका मसला भी हल हो जाए? देखें ये बहुत ही सस्ता निज़ाम है। ठीक है, बहुत ही सस्ता निज़ाम है। अब तो ये हमारे यहाँ कवानीन ऐसे आ गए हैं जो सिविल प्रोसीजर कोड के तहत कोर्ट को भी इजाज़त है कि वो पार्टीज़ को मीडिएशन में भेज सकते हैं। ठीक है, मीडिएटर उमूमन लाजमी नहीं है, वॉलंटरली काम कर रहे हो। ठीक है, जो उस इलाके के बड़े लोग होते हैं, सही, जो उस इलाके के समझदार लोग होते हैं। अब जैसे LAS है, ये इससे पहले KCDR था, ये ट्रेनिंग करा देते हैं लोगों के सालिस की हैसियत से। बिल्कुल ठीक, उनमें वो स्किल डेवलप कर देते हैं।
आम आदमी वो रिजॉल्व नहीं कर सकता लेकिन वो जो ट्रेंड है जिसने चार दिन की ट्रेनिंग ली हुई है उसके पास जो फैसिलिटेट कर सकता है वो उसको हल करा देता है मसले को और कोर्ट में वो मसला बहुत जल्दी हल होके विदाउट एनी एक्सपेंडिचर। ठीक है, मतलब आप एक्सपेंडिचर की तो बात ही ना करें ना, ये तो एक वॉलंटरी सिलसिला होता है। लोग जो है वो फी सबीलिल्लाह कर रहे होते हैं कि हमारे यहाँ मजहब में एक चूंकि कंसेप्ट है कि दो मुसलमानों के दरमियान अगर आप सुलह करा दें तो अल्लाह ताला की खुशनुदी आपको हासिल होती है। जो फैमिली इश्यूज में मसालती कमेटी के पास मामला जाते हैं क्या वो ये सेम चीज है एडीआर? वो कर सकते हैं। अच्छा वो ये लेकिन है नहीं, ये वो है नहीं। अच्छा, लेकिन कंसेप्ट वही है। कंसेप्ट देखें, फैमिली कोर्ट एक्ट में भी ये मौजूद है कि जब कोई हस्बैंड एंड वाइफ कोर्ट में जाते हैं तो फैमिली जज की ये जिम्मेदारी है कि वो एक एक नुमाइंदा दोनों से बुलाए और उनके दरमियान केस को उसको प्री ट्रायल कहते हैं। बिल्कुल ठीक है, प्री ट्रायल प्रोसीजर में कि लोगों को रिजॉल्व करने की कोशिश करें। लेकिन अब चूंकि वक्त के साथ अब चूंकि जजेस भी इस बारे में इतने ट्रेंड नहीं होते थे और वकला भी नहीं ट्रेंड होते थे, अब चूंकि कंसेप्ट बदल रहे हैं जी जी। और जजेस को भी हमने ट्रेनिंग कराई है बहुत जजेस को, एंड जजेस नो व्हाट इज मीडिएशन। इसमें एक ये पहलू भी मुझे बताएगा, आपने कहा ना कि बाहर चूंकि अदालती निजाम बड़ा महंगा है, पाकिस्तान में सस्ता है, तो वहां पर एडीआर का जरा स्कोप ज्यादा है। पाकिस्तान में अगर हम लोग देखें तो अदालतों की निस्बत कितने केसेस एडीआर जाते हैं, या फिर अगर ज्यादा जाना शुरू हो तो जरा मामला जल्दी बेहतरी की तरफ निकल आए? देखें, जैसे मैंने कहा ना कि हमारा अपना एक कल्चर है, उस कल्चर को आप सामने रखें। यहाँ जो मतलब लोगों को डिफ़िकल्टी सामने आ रही हैं एडीआर को इन्फोर्समेंट में, एक तो कल्चर है कि नहीं जी मैंने तो सामने वाले को की नाक रगड़वानी है, वो बड़ा है। दूसरा ये कि हमारे यहाँ भी थोड़ा सा जो प्रॉब्लम है वो बार एसोसिएशन वकला हजरात, ठीक है, वो इसको एक्सेप्ट करने पे अभी तैयार है। वो कहते हैं कि मामला दे ही रहे सब, बस लास्ट 30 सेकंड्स हैं, आप जिस फोरम से आप वाबस्ता थोड़ा सा गाइड अगर करना चाहें कि कैसे आपसे कांटेक्ट किया जा सकता है अगर किसी देखें, जो लीगल एड सोसाइटी है LAS, ये कराची और सिंध में ठीक है मुख्तलिफ सेंटर्स चला रही है, कॉल सेंटर्स हैं। कॉल सेंटर पे कोई भी शख्स जिसको कोई भी लीगल मसला हो तो वो कॉल कर सकता है। उसका आपको नंबर आपको दिया है वो 0800-708-06, उस वो हर वक्त असिस्टेंस अवेलेबल है, तो वो आपको एडीआर से रिलेटेड भी सजेस्ट करेंगे कि अगर आप इस मसले को एडीआर के जरिए हल करना चाहते हैं तो एडीआर सेंटर भी LAS बना रही है अपना, और वो उसके ऊपर वहाँ भेज सकते हैं। प्लस सिंध में तकरीबन 8 शहरों में 8 डिस्ट्रिक्ट्स में वो काम कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, और लॉ कॉलेजेस की बुनियाद पे हम स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं मीडिएशन, कॉलेज के प्रिंसिपल्स के साथ जिस तरह भी इसको वसी किया जा सकता है आप उसको वसी और डिफरेंट कम्युनिटीज में बिल्कुल ठीक हम उसको प्रोपगेट कर रहे हैं ताकि इसका स्कोप जो है वसी हो जाए। थैंक यू वेरी मच सर, जरा वक्त की किल्लत थी, एक न्यूज ब्रेक की तरफ बढ़ना है हमें। नाजरीन छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, हेडलाइंस आप जान चुके हैं, हमारे अगले घंटे में आपको कहते हैं खुश आमदीद। और आज का हमारा मौजू बड़ा ज़बरदस्त है, हम वालदैन ज़रा बैठ जाएं टेलीविज़न के सामने और तसल्ली से आपने सुनना है, कोई सवाल हो तो ज़रूर भेजिएगा हमें। एक रिसर्च आई 2-3 रोज़ पहले और उस रिसर्च में कहा गया कि बच्चों को ये नहीं कहना चाहिए हर बात पर गुड जॉब, ज़रा सा बच्चे ने काम किया गुड जॉब डन, ज़रा सा अच्छा काम किया गुड जॉब डन, स्कूल से टेस्ट अच्छे मार्क्स अच्छे व्हाटएवर ही डिड आपने गुड जॉब, तो उसमें उन्होंने कहा कि गुड जॉब इज अ टैबू या इट्स बिकमिंग अ टैबू और आपको ये नहीं कहना चाहिए अब, यू आर स्मार्ट, अच्छा काम आप कर रहे हैं, कीप अप द गुड वर्क, इन टर्मिनोलॉजीज का वहाँ पर लिखा गया। लेकिन ज़रा हर मुल्क के डायनामिक्स मुख्तलिफ होते हैं, हालात मुख्तलिफ होते हैं, तो क्या वो जो रिसर्च वहाँ पर हुई है उसका इतलाक पाकिस्तान में होता है या नहीं, आज हम इस अहम मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। इसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि जब बच्चा अच्छा काम करे तो क्या कहना चाहिए, और अगर बच्चे से हो गई है छोटी सी गलती तो फिर क्या करना चाहिए, दरगुजर कर देना चाहिए बार बार, समझाने का अंदाज क्या होना चाहिए, और क्या बच्चों के लिए डांट जरूरी है, क्योंकि आजकल बड़ा कॉमन है जी बच्चों को बिल्कुल नहीं डांटते,
ओवर स्पॉइल्ड किड्स, हमने तो डांटे भी खाई है, मार भी खाई है, तो आज हम जरा इस हम मौजू पर, मतलब वो बच्चे किसी रेस्टोरेंट में बैठे हैं, वो रेस्टोरेंट का बेड़ा गर्क कर देते हैं, उसके बावजूद पेरेंट्स कुछ कहते हैं बच्चे हैं तो खेलेंगे ही, अब बच्चे हैं खेलें लेकिन तबाहकारियां तो मत मचाएं। लेकिन एट द सेम टाइम कुछ पेरेंट्स बड़े एंबैरस भी होते हैं, मैं अगर अपनी बात करूं, लेकिन एट द सेम टाइम ना, मतलब जो बच्चों को समझाने वाले हैं वहीं पर हमने ऐसे बच्चों को भी देखा है कि जिनका जो वो है ना कि बिगड़े हुए बच्चे, वो बिगड़े हुए बच्चे इसी कैपेसिटी में होते हैं कि उनको हवाले से फिर हम लोग ये देखते हैं कि उनको पेरेंट्स रोकते नहीं, मना नहीं करते। तो आज बच्चों को कॉन्फिडेंट किस हद तक आपको हाई रखना चाहिए और गलत काम पे डांटना कब है, ये इंपॉर्टेंट, डांटना है लेकिन डांटना कब है, इस पर हम बात करेंगे। एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, हमें ज्वाइन किया हमारे नफ्सियात ताहिरा जावेद साहिबा ने। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैर। ताहिरा साहिबा, आज सबसे पहले तो शुएब के उस सवाल से हम स्टार्ट करते हैं जिस रिसर्च का इन्होंने हवाला दिया कि क्या गुड जॉब कह देना उससे सारे मामलात हल हो जाते हैं, या फिर वही बात आई है कि हर बात में जोर जबरदस्ती की तारीफ, या आपने अपने बच्चे को हर वक्त भाग ही रखना है, इस कॉन्सेप्ट को किस तरीके से हम पॉजिटिविटी में देख सकते हैं और नेगेटिव इसके क्या इम्पेक्ट हो सकते हैं? देखिए, इन ऑर्डर टू डिस्कस अबाउट दिस कि हम ये देखें कि प्रेज़ कितने हद तक इम्पॉर्टेंट है, गुड जॉब कहना है नहीं कहना या उनको डांटना है, फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि पेरेंटिंग कैसे होती है, राइट? क्योंकि हम ज़्यादा बात करते हैं पेरेंट्स की, और उसके बाद दूसरा रोल आता है बच्चों के केस में टीचर्स का। अब पेरेंट्स जो हैं वो कौन कौन से स्टाइल्स के थ्रू बच्चों को अपब्रिंग कर सकते हैं, उसमें हमारे पास जो तीन बेसिक स्टाइल्स आते थे वो अथॉरिटेरियन, अथॉरिटेटिव और परमिसिव स्टाइल्स थे। अब अथॉरिटेरियन स्टाइल आपको ये कहता है कि आपने बच्चों को ओवर कंट्रोल्ड रखना है, बस मैंने कह दिया और आपने यही करना है, इसके पीछे क्या लॉजिक है वो अथॉरिटेरियन पेरेंट कभी नहीं बताता। और इसके लिए टर्म यूज होती है हेलीकॉप्टर पेरेंट्स भी। हेलीकॉप्टर पेरेंट जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट है, है। ये कंट्रोल्ड है बस बच्चों के ऊपर, ऐसे 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 बच्चा कहां जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं, हेलीकॉप्टर बन के फिरते रहते हैं, बच्चे को छोड़ो थोड़ी देर के लिए, बोलते हेलीकॉप्टर, बिल्कुल वो हेलीकॉप्टर है। अथॉरिटेरियन इज लाइक वो जो एक मिलिट्री स्टाइल होता है ना, मैंने कह दिया बस हो गया, अब इसके पीछे आप ये नहीं कह सकते कि नहीं ये नहीं करना या मुझे कोई और ऑप्शन चाहिए, राइट? अच्छा, परमिसिव पेरेंट्स क्या है, वो पूछते ही नहीं है, कहते हैं जो मर्जी करते फिरो, ना मैंने कुछ एक्सप्लेन करना है, ना मैंने रोकना है, ना कुछ करना है, जस्ट लेट गो ऑफ, ठीक। इनका एक बैलेंस वर्जन है अथॉरिटेटिव पेरेंट्स का, वो कंट्रोल भी करते हैं लेकिन वो कंट्रोल की लिमिट्स बच्चों को बताते हैं, उन्हें लॉजिकली एक्सप्लेन करते हैं, राइट? अब ये जो एक बैलेंस पेरेंटिंग में मेंटेन होता है, दिस लीड्स टू प्रेज एज वेल। अगर हम ये कहते हैं फॉर एग्जांपल जो ये रिसर्च आप लोगों ने डिस्कस की, इसमें उन्होंने कहा गुड जॉब गुड जॉब गुड जॉब, ओवर प्रेज कर दिया, हर एक 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 पॉइंट पे जब आप उसको प्रेज करते जाएंगे तो वो काइंड ऑफ उनकी मोटिवेशन लो कर देगा, उनमें रेजिलियंस लो कर देगा। बट अगर आप दूसरी साइड पर जो डेटा एक्चुअली अभी बहुत ज़्यादा रिसर्च कह रही है, बिल्कुल प्रेज ना करें। अब आप बिल्कुल प्रेज नहीं करेंगे, फॉर एग्जाम्पल जस्ट इमेजिन योर सेल्फ कि आप बेस्ट काम करके चले जाएं और आपको जाके अगला कहे हाँ ओके ठीक है, हम डीमोटिवेट हो जाएंगे। एग्जैक्टली, यू विल बी लाइक मैंने क्यों किया। एंड देन चिल्ड्रन दे डू हैव नीड्स, हम सबके नीड्स हैं, नीड्स में नीड ऑफ एफिलिएशन, एप्रिसिएशन, अचीवमेंट, सारे नीड्स हैं, वो फुलफिल कैसे होंगे जब हम अप्रिशिएट करेंगे ही नहीं। अब अगर आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और बिल्कुल नहीं कर रहे तो ये भी गलत है। लाइक द पेरेंटिंग स्टाइल, आपको उस पेरेंटिंग के साथ साथ बैलेंस ऑफ प्रेज भी रखनी है। अब मेरे पास एक बच्ची है जिसको स्कूल जाना बहुत ज़्यादा पसंद था, शुरू में जब उसको एडमिशन करवाया इतने शौक से जाती थी, सडनली शी रिफ्यूज्ड, मुझे नहीं जाना। पेरेंट्स वर वेरी कंसर्न कि ये क्या हो गया इसको, ये क्यों नहीं जा रही है। उन्होंने जाके टीचर से डिस्कस किया, जब बात साथ कर रहे थे कुछ भी आइडेंटिफाई नहीं हुआ, फर्दर प्रोबिन किया, पता चला जब शुरू में गई थी तो जो टीचर हैं उन्होंने उसको बहुत प्रेज किया टू मेक हर एडजस्टेड, इतना ज़्यादा अप्रिशिएट करती थी, बट जब वो नॉर्मलाइज हो गया तो टीचर की अटेंशन दूसरी तरफ हो गई। बच्चा एक्सपेक्ट कर रहा था। एग्जैक्टली, शी रिफ्यूज, उसने कहा मैं स्कूल ही नहीं जाती। दैट मीन्स ओवर प्रेज भी ना करें, उतना बैलेंस रखें जितना बच्चे के लिए भी एक्सेप्टेबल हो, प्लस आप भी उतना कंटिन्यूस करें। विद दैट अनदर पॉइंट दैट आई वुड लाइक टू ऐड इज कि देखें, गुड जॉब कहने में और एक हम स्टेटमेंट देते हैं यू आर द बेस्ट, नाउ यू आर द बेस्ट पे आपने उसको रोक दिया है कि वो अपने पोटेंशियल्स को एक्सप्लोर कर सके, राइट? राइट, यहाँ पर ये स्टेटमेंट्स कहना यू आर द बेस्ट, देयर इज नथिंग लाइक यू, ये बस यू हैव डन द बेस्ट जॉब एवर, परफेक्ट, ये नहीं कहना चाहिए। बट यस, प्रोसेस प्रेज जरूर करें, ये पर्सन प्रेज है कि आपने बंदे के ऊपर ही लेबल किया, आप प्रोसेस को प्रेज कर सकते हैं।
you're doing a good effort and yeah. but you can even do it better. ये सबसे अच्छा जुमला है। इसमें मैंने एक चीज आपसे ये भी पूछनी है क्योंकि अक्सर कुछ बच्चों से मिलने का मेरा भी इत्तेफाक रहता है, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो इतने शरारती होते हैं कि आप ये कहते हैं कि घर के पेरेंट्स को ये कहने का मौका मिल जाए, क्योंकि जॉइंट फैमिली सिस्टम है इसलिए बच्चे ने दूसरे भाई को देख के या बहन को देख के ये शरारत सीखी है. अब एक वो बच्चे होते हैं जो कि जॉइंट फैमिली का हिस्सा भी नहीं है, लेकिन बात करना चाह रही है नहीं, मैं एक मोहम्मद की भी बात करना चाह रही हूँ. उसकी दो बहनें हैं और मैं अल्लाह की कसम मेरे माइंड में आपका वाला बेटा भी था, इनका मैंने बहुत चरारती है कि बहनें इंतहाई सेंसिटिव और सुलझी हुई और लड़का बच्चा इतना शरारती, मतलब 1.5 साल के बच्चे ने नचा के रखा हुआ था कि पेरेंट्स परेशान है, मैंने कंट्रोल कैसे करा. और ये बहुत से घरों के मसले होंगे. अच्छा, अब इसमें जब हम हाइपर एक्टिविटी की बात करते हैं ना कि बच्चा बहुत हाइपर है, हर वक्त इधर उधर भाग रहा है, इसमें बहुत सारी चीज़ों का रोल है. एक, हमारा स्क्रीन टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है. हमने बच्चों को इतनी आदत डाल दी, जब हम नहीं देते ना तो उन्हें समझ ही नहीं आती वो क्या करें, वो इधर उधर. उसकी एक मेजर रीज़न व्हाट वी हैव नोटिस्ड इज आप स्क्रीन को जिस वक्त देखते हैं, हम खुद स्क्रॉल करें, इट इज़ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग. इतना चेंज की आदत डाल दी है कि अब आप बच्चे को जिस वक्त स्क्रीन से हटा के बिठाते हैं तो उसका माइंड उस चीज के ऊपर आ नहीं सकता. वो हर चौथे पांचवे मिनट के बाद मोबाइल दे दें और उस पे ये एवेंजर्स, तो फिर उसका दिमाग वैसे ही चलेगा. जो भी चीज देखे आप यकीन करें, ये इस बात पर कभी डिस्कशन ही नहीं हुई कि ये जो हाइपर एक्टिविटी हो रही है बच्चे की, एग्जैक्टली इसी वजह से हो रही है कि मोबाइल फोन में जो वो चीजें देख रहा है, वो देख रहा है कंटिन्यूअसली चेंजिंग. उसका जो एक क्या अटेंशन स्पैन है वो इतना कम हो चुका है कि बस वो फिर क्विक उस हर चीज चेंज. अब देखिए बच्चा हर वक्त कहते हैं मैं बोर हो रहा हूँ, क्या करूँ, बैठ के क्या हो सकता है, बोर हो रहा हूँ. अच्छा, दूसरा हमारी डाइट, हम बच्चों को इतना जंक खिलाते हैं जिससे अगेन वो हाइपर एक्टिव हो रहा है. चॉकलेट्स दे दें, हमने अपने सामने बच्चे देखे हैं कि आराम से बैठे हुए आप कोल्ड ड्रिंक दे दें, चॉकलेट्स दे दें, उनको और मीठा खाने के लिए दे दें, वो यूँ इतने हाइपर हो जाते हैं कि उनको समझ नहीं आती वो एनर्जी कहाँ एग्जर्ट करें. तीसरा बहुत बड़ा एलिमेंट, लैक ऑफ सोशलाइजेशन अपॉर्चुनिटीज, जो कि पिछले 2 साल में तो बहुत ज़्यादा थी. जब बच्चा बाहर जा नहीं सकता, एग्जर्ट नहीं कर सकता, तो जो भी एनर्जी है वो घर में ही निकलेगी. पहले क्या होता था, आउटडोर गेम्स थी, बच्चे अपनी एनर्जीज को एग्जर्ट कर देते थे, फुटबॉल है, स्विमिंग है. अभी हमारे पास एक बच्चा था ADHD diagnosed, which is hyperactivity. जी. हमने उनको सजेस्ट किया कि आप इसको स्विमिंग में कर दें. अब वो बच्चा इतना काम डाउन हो गया है, उसका इतना फोकस इंक्रीज हुआ है, क्योंकि आफ्टर स्विमिंग वो इतना थक जाता है कि वो आराम से बैठ के अपना काम भी कंप्लीट कर लेता है. एकेडमिक्स इंप्रूव हो गए हैं क्योंकि अपॉर्चुनिटी ही नहीं है, हम बाहर जाने ही नहीं देते. सो ये बहुत सारी चीज़ें मिलकर बच्चों की हाइपर एक्टिविटी पर आती हैं. अब अगर हमने कंट्रोल भी करना है तो सबसे पहले हमें स्क्रीन भी कंट्रोल करनी है, हमें डाइटरी चेंजेस भी करने हैं, हमें फिजिकल एक्टिविटीज़ भी इन्वॉल्व करनी है, फिर हमें कुछ ऐसी इंडोर एक्टिविटीज़ भी करनी है जिसमें उनके फोकस इंक्रीज हो. फॉर एग्जांपल पेंटिंग है, बोर्ड गेम्स हैं, या आप उनके साथ बैठ के कोई और क्वेश्चन आंसर सेशंस कर सकते हैं. गेम्स में ही बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिससे बच्चों के फोकस इंक्रीज हो जाते हैं, उनको काम डाउन होकर बैठने की आदत होती है. देन देयर इज अ कामिंग बॉटल, छोटे बच्चों के लिए ना एक कामिंग बॉटल मिलती है, आप अच्छा. उसको ऐसे हिला के रख देते हैं एंड देन आस्क देम टू जस्ट वॉच इट, वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी वो सैंड और ग्लिटर्स और वो सेटल डाउन होती है. अब उसको बैठ के जब ऑब्जर्व करता है तो वो उसके अंदर एक आदत आती है कि हाइपर एक्टिविटी से हट के वो उसको ऑब्जर्व करते करते वो जैसे जैसे नीचे जाता है उसी तरह बच्चे काम डाउन हो रहे होते हैं. और ये बड़ा अच्छा आपने एक टोटका ही बता दिया, मैं कहूंगा इसको कि वो संभालने के दिन. हाँ नहीं, जनरली तमाम जो हाइपर एक्टिव बच्चे हैं, ये बॉटल आम अवेलेबल है, ये आपको ये जैसे जो वेबसाइट्स वगैरह हैं उन पर अवेलेबल भी मिल जाएगी. और आप किसी भी डेकोरेशन स्टोर पर जाएंगे ना आपको वहां पर भी अमूमन ही नजर आएगा. बिल्कुल, जो सैंड वाले होते हैं वो भी आराम से सेटल डाउन, बच्चा बस बैठ के वो कुछ देर देखेगा तो अच्छा, दिन में एक दो बार उसे प्रैक्टिस कराएंगे तो ऑटोमेटिकली वो कामनेस की तरफ जाएगा. आप एक और बात बताइएगा तारा साहिबा, 4-5 साल, 6 साल, 7 साल के बच्चे जिसमें हम ये देखते हैं कि ज़िद्दी होते हैं, जी मैं बाहर, अगर पेरेंट्स ने कहा, किसी ने कहा जी मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं शॉप पर जा रहा हूँ, मैंने जाना है, और अगर आपने कहा नहीं जाना तो वो जो फिर वहाँ पे हालात हो जाते हैं, बंदा कहता है मैं ले ही चलता हूँ. यानी बच्चे ने जब कोई चीज़ मांगी है एक दफ़ा और आपने कहा नहीं देनी, तो बच्चे का जो रिएक्शन है वो ऐसा है कि आपने कहा अच्छा मैं करवा ही देता हूँ ताकि ये रिएक्ट ना करे. ऐसे मामले में क्या करना चाहिए? दूसरा ये कि आपने इस दौरान कहा कि बच्चे को समझाना चाहिए, व्हाट इज़ द राइट एज जब आपने बच्चे को बिठा के समझाना है और वो समझेगा और समझना चाहिए? ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन, राइट, अगर इसमें जो पहले सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि दोनों पेरेंट्स को सेम पेज पर होना.
अगर तो अब्बा ने मना किया है तो अम्मा भी फिर मना करेंगी, और अगर अम्मा ने किया है तो अब्बा भी सपोर्ट करेंगे, ये नहीं होगा कि एक ने मान ली और दूसरे ने। गुड कॉप बैड कॉप पॉलिसी नहीं चलेगी। एग्जैक्टली राइट। अच्छा दूसरा काम, आपको पता है कि आप उसको नहीं लेकर जा सकते, व्हेन यू सेड नो दैट मींस नो, ठीक है, फिर वो रो रहा है, वो गिर रहा है, वो कुछ भी कर रहा है, देन इट शेल बी अ नो, क्योंकि अगर आप एक दफा गिव अप करेंगे, आप दो दफा गिव अप करेंगे, बच्चा लर्न कर लेगा, वो अटेंशन सीकिंग में चला जाएगा, द फंक्शन वुड बी देन अटेंशन। उसको पता है कि आई विल ब्रिंग माय पेरेंट्स टू दिस पॉइंट, इस पे ये गिव अप करेंगे और इसे आगे ले जाएंगे, तो वो जिद बढ़ती चली जाएगी। सही, आपको शुरू में दो तीन दफा वहां पर बहुत स्ट्रिक्ट ये रूल अप्लाई करना पड़ता है कि जब नो मींस नो, परफेक्ट राइट, एंड देन यू कैन एक्सप्लेन, यू कैन मेक अ कमिटमेंट जो कि आप बाद में फुलफिल कर सकते हैं कि ओके आई एम गोइंग राइट नाउ, मेरा अपना काम है, व्हेन आई विल कम बैक आई विल टेक यू टू दैट प्लेस, Meanwhile, you need to do this. बिल्कुल ठीक है। लेकिन वो कमिटमेंट करें जो आप पूरी कर सके, ताकि उसका ट्रस्ट आप पे बना रहे और ये आदत पुख्ता ना हो जाए। Exactly. और sometimes हम फॉल्स कमिटमेंट करके ना अपना ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट करते हैं। मैं आपको आइसक्रीम ले दूंगा लेकिन हम नहीं लेकर देते, तो फिर बच्चा नेक्स्ट टाइम भी आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा। तो कमिटमेंट भी वो करें जो आपने पूरी फुलफिल कर सके। और राइट एज, राइट एज, राइट एज इज लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट, हर वो एज जिसमें बच्चा छोटा सा भी है ना, तब से भी आप उससे कम्युनिकेशन शुरू कर देते हैं। बिल्कुल ठीक। आप उसको आहिस्ता 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 उसका माइंड मेकअप करते हैं। देखें अगर हम रिलीजन की बात करें तो वहाँ पर 4 साल 4 महीने 4 दिन के बच्चे को वो कहते हैं कि आप कुरान शुरू करवा दें। बिल्कुल। अगर उस टाइम पर हम वो स्टार्ट करें, दैट डजंट मीन हम उससे पहले उसे कभी कुछ नहीं बता रहे, हम कॉन्सेप्ट तब से देने शुरू करते हैं। आप जिस वक्त छोटे से बच्चे को पैम्पर चेंज कर रहे हैं, आप उसको खाना खिला रहे हैं, आप तब भी उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं। वहाँ से उसकी अटैचमेंट आपसे डेवलप हो चुकी है। इसी तरह स्लोली एंड ग्रेजुअली जिस वक्त वो बच्चा 1 साल 1.5 साल 2 साल का होता है, तब वो आपको अपनी बात कम्युनिकेट कर रहा है, तो आप उसको अपनी बात भी कम्युनिकेट करते हैं। येस द लेवल शैल बी डिटर्मिंड। अब 10 साल के बच्चे और 1 साल के बच्चे को बात समझाने का तरीका और लेवल आपका डिफरेंट होगा, लेकिन समझा तो आप उसको तब भी सकते हैं क्योंकि आपकी पर्सनालिटी शेप तो तब से होना शुरू हो चुकी है। ठीक है, ठीक है। अच्छा इसमें तारा साहब आप एक क्वेश्चन है, मुझे ये भी बताइए कि पेरेंट्स जब बच्चों को डांटते हैं, अब दो तरह के पेरेंट्स हैं, एक वो है जिन्होंने सबके सामने ही लगा भी दी और डांट भी दिया और जिससे बच्चे बड़ा एम्बेरस हो जाते हैं, और फिर डेफिनेटली वो क्योंकि एक सेल्फ रिस्पेक्ट का एलिमेंट है ना, वो तो आपके अंदर छोटे से होते हुए भी होता है, तो बच्चे बड़ा परेशान हो जाते हैं ऐसी कंडीशन में, और 2-3 दिन तक उनकी नाराजगी जायज भी है कि आपने सबके सामने उन्हें डांट दिया। दूसरा ये भी है कि कुछ वो पेरेंट्स भी होते हैं जो कहते हैं कि आंखों की घूरियां देना और फिर बिठाना, उन पेरेंट्स के क्या ये तरीकाकार भी ठीक है या नहीं है? क्योंकि बच्चे जब देख लेते कि अच्छा मामा ये कर रही है, बाबा मुझे आंखें दिखा रहे हैं, फिर सिर्फ बच्चे ही नोट नहीं करते, फिर आप जिस घर जाते हैं वो लोग भी बैठ के जरा फील कर रहे होते हैं कि अच्छा ये घूरियां करा रही है, ये क्या एक मामला होता है? राइट, देखिए सबसे पहले तो बच्चे को अगर आप सबके सामने डांटते हैं तो उसको डांटने के समझने के लिए अपने आप को ले लें। आपको कोई सबके सामने डांट दे, हाउ वुड यू फील? एम्बेरस्ड, लो सेल्फ एस्टीम, नेक्स्ट टाइम आप उन्हें फेस नहीं कर सकेंगे, कॉन्फिडेंस शैटर हो जाएगा, मोटिवेशन हर चीज़ की लो हो जाएगी, सोशल अवॉइडेंस आने शुरू हो जाएगी कि जब भी हम इन लोगों के घर गए थे या ये हमारे घर आए थे या किसी पॉइंट पर भी इतने लोगों के और सामने, इसका नुकसान ये भी होगा कि बच्चों को आदत हो जाएगी कि मतलब झिझक खत्म हो जाएगी कि हो तो गई है, अब हो गई है। सेकेंडली फिर आपके साथ भी उनका एक रिलेशन इफेक्ट हो जाएगा, बींग पेरेंट वो आपके साथ उनका रिलेशन अफेक्टेड है, अब उनको होगा कि ये तो हमारी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं करते, तो फिर इन रिटर्न अगर इन्होंने सबके सामने हमें डांटा है तो फिर हम भी सबके सामने कर सकते हैं। दैट मीन्स इसमें प्राइवेट एंड पब्लिक का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, हमने वही मॉडल किया कि प्राइवेट एंड पब्लिक मेक्स अ नो डिफरेंस। अच्छा अब अगर हम ये कहते हैं कि हमने बच्चे को किस तरह से कंट्रोल करना है या उसको कब कब हमें प्रेज करना चाहिए या उसको डांटना चाहिए, देखें हम डांट तो सबके सामने देते हैं पर हम तारीफ नहीं करते सबके सामने। बहुत कम पेरेंट्स मिलेंगे कि जो सबके सामने बच्चे की तारीफ कर रहे हैं, और अगर करेंगे भी तो बड़े छोटे लेवल पे। मैं अक्सर ये बात कहती थी कि पता नहीं वो कौन से बच्चे हैं जो हमारी क्लास में कम नंबर लेते हैं, क्योंकि हमारे अम्मा अब्बा के जानने वालों में तो सभी टॉपर होते हैं, उसको देखा है इसने नंबर ले लिया, उसको देखा है ये कर लिया, इनका वो किधर है जो हमारी क्लास में कम मार्क्स लेते हैं, वो तो हमें मिलते ही नहीं है। राइट, क्योंकि सबके सामने क्या था आपके बेटे ने तो लिए, मेरे बच्चे ने तो कम मार्क्स लिए। अब देखें आपने जिस वक्त उसने ज्यादा लिए तो तब भी तो नहीं बता रहे ना, बहुत सारे अम्मा अब्बा तारीफ नहीं करते बाकियों के सामने, तो अगर आप डांटने को देखें तो तारीफ करनी है तो वो सबके सामने करें,
उसकी उन पॉइंट्स की, अच्छा वहाँ भी बेजा तारीफ ना करें. कुछ पेरेंट्स आपको मिलेंगे जो एक्सट्रीम तारीफ कर देंगे जी, राइट, वो भी नहीं होना चाहिए. अब जो गलत है वो गलत है, आप उस पर खामोश रह के बाद में उनको बता सकते हैं. अच्छा अब जैसे लेट्स से जिस वक्त घर में गेस्ट आ रहे हैं या उस वक्त हम घूरियाँ करवा रहे हैं, उस पर बच्चे भी कई दफ़ा बोल देते हैं क्यों देख रही है मुझे ऐसे. या हम उनको नॉन वर्बल जेस्चर्स देते हैं. वी वर एट अ प्लेस, किसी के घर डिनर पे गए हुए थे, तो वो बच्चा वॉज लाइक मुझे वो वाली बोटी चाहिए, अम्मा नहीं दे रही. उसने दूसरी दफ़ा बोला मुझे वो वाली बोटी दें, साथ ही कहते हैं क्यों पाँव पे पाँव दे रही हैं, राइट. हमने कहा यार, एंड देन वी नोटिस्ड, हमने कहा जी आप प्लीज उसको दे दे, इट्स ओके, क्या हो गया, राइट. तो अब ये ज़्यादा एम्बैरसिंग है बच्चे के लिए भी, आपके लिए भी. इसके रूल्स आप पहले से सेट कर लें. आप बच्चों को बता सकते हैं कि बेटा फॉर एग्जांपल जैसे हमारे घरों में ट्रॉली सिस्टम बहुत ज़्यादा कॉमन हो, आप उन्हें पहले से ये बात बता सकते हैं कि बेटा व्हेन द गेस्ट विल गो देन यू कैन कम एंड हैव एनीथिंग दैट यू वांट फ्रॉम द ट्रॉली, बट इन फ्रंट ऑफ द गेस्ट आप अवॉइड कर लें. या फिर आप उनको ये बता सकते हैं कि वॉट एवर यू वुड बी अलाउड टू, हम आपको प्लेट बना के खुद ही दे देंगे. आप बच्चे को बुलाएं, उसको प्लेट बना के साइड पर सेटअप कर दें. लेकिन हम उस वक्त अगर रूल अप्लाई करने की कोशिश करते हैं तो वो समटाइम्स डिफरेंट होता है. आप उनसे पहले ये भी बता सकते हैं कि हाउ आर दे गोइंग टू बिहेव, आप वो रूल्स भी सेट कर सकते हैं. लेकिन ये सब कम्युनिकेशन से पॉसिबल है. हम ये समझते हैं बच्चा खुद ही समझ लेगा, खुद ही कर लेगा, नहीं. अच्छा एक वो बच्चे भी हैं, अभी भी मदर्स डे गुजरा है तो कई अक्सर मैंने सोशल मीडिया पोस्ट देखी तो लोगों ने लिखा हुआ था हमारी पिटाई के आलात हैंगर, चिमटा, डंडा, जूती, झाड़ू, वाइपर, और भी किसी किसी को वो जो खाने पकाने वाला कफगीर होता है वो भी इतने से. ऐसे पेरेंट्स के लिए क्या सजेशन है आपके लिए? कुछ पेरेंट्स ये राय रखते हैं कि जब तक बच्चे को तसल्ली से मार पीट नहीं लिया ना उनको चैन और करार आया और ना उनका बच्चा सीधा हुआ. ये होती है चप्पल थेरेपी ना, लोगों को लगता है चप्पल थेरेपी वर्क, इट डजंट रियली वर्क. आप एक दफा करेंगे, दो दफा करेंगे, अगेन जैसे भी जरिया आपने कहा ना, झिझक उतर जाएगी, बच्चा ढीट हो जाएगा, ढीट हो जाएगा, क्या कर लेंगे, मार ही लेंगे, चले मार लें. तभी तो यही होता है, अम्मी ने जब उससे पिटाई कर ली ना वो चिमटे से, अब क्योंकि झिझक उतर गई, उसमें खाने की टूटने की सकत आ गई, नेक्स्ट टाइम उसकी अम्मी कहेंगी ना इसको तो मैंने वाइपर से भी मार के देख लिया, लेकिन इसके हड्डी में चैन नहीं है, वो हड्डी में इसलिए चैन नहीं है, आपने पहले उसको किसी और चीज से मारा था, क्या सर फोड़ेंगी आप यही ना. अच्छा मजे की बात है, कई दफा बच्चे आगे से आपको खुद ला के देते हैं ये मार ले. हमने खुद ऑब्जर्व किया, वो बच्चा शरारतें कर रहा था, माँ गुस्सा करी, उसने जूता पकड़ा कर ये ले मार ले, मतलब शरारत नहीं मैं छोड़ूंगा, चेक करें लेवल कहाँ तक पहुंच चुका है. अच्छा एक और मामला भी, बच्चों की कुछ गलतियां जो पेरेंट्स इग्नोर करते हैं, जिसमें एक गलती ये है कि जो आपके घर में बुजुर्ग हैं या फॉर दैट मैटर जनरली जो बड़े हैं, अगर बच्चा उनसे उन्हें तंग कर रहा है या फॉर दैट मैटर समटाइम ऐसा कुछ उसने लफ्ज इस्तेमाल किया या थोड़ी बदतमीजी कर दी या जिद ऐसी की कि आप खुद एम्बेरस हो रहे हैं कि यार ये रिश्ते ऐसे हैं कि ये नहीं होना चाहिए, उस वक्त पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? क्योंकि ज़ाहिर ये बड़ा अहम है कि बच्चों को आपने सिखाना है रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, रिस्पेक्ट योर नाना नानी, दादा दादी, चाचा चाची, ताया ताई, आई मीन ऑल द रिलेशंस. इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पता है कहाँ पर आती है? अगेन हम एज पेरेंट्स रोल मॉडल होते हैं. पहले तो हम घरों में अपने अम्मा अब्बा से बच्चों के सामने बदतमीजी कर जाते हैं, अपने भाइयों से, भाभियों से, छोटों से हम कर रहे होते हैं. तो पहले तो हम उनको ये रिस्पेक्ट लेवल कैसे सिखाएंगे जब हम मॉडल नहीं कर पा रहे? ठीक, बिल्कुल सही बात. अच्छा दूसरा हम क्या करते हैं, हम अगर ये नहीं कर रहे तो हम बच्चों के सामने बैठ के बुराइयां करेंगे. तुम्हारी दादी तो यूं करती है, तुम्हारी नानी तो यूं करती है, तुम्हारा मामू तो यूं करता है, तुम्हारे फूफा ने ये कर दिया. रिश्ता बोल कर आप बच्चे के सामने बातें करते हैं. अगर उसको मुखातिब करके नहीं करते तो आपस में करते हैं, जैसे मियाँ बीवी करेंगे, तुम्हारे भाई ने ये कर दिया, तुम्हारी माँ ने वो कर दिया, तुम्हारे इसने ये कर दिया. बच्चा सब चीज़ें सुन रहा है. अब जब वो ये देख रहा है कि लेट सपोज दादा दादी, पुप्पा पुप्पी ने मेरी माँ के साथ ज्यादती की, या नाना नानी, मामू मामी, उनमें से किसी रिलेशन ने भी मेरे बाप के साथ की, या वाइस वर्सा भी आपस में भी की, नाना ने मामा को कुछ कह दिया, अब वो बच्चा कैसे रिस्पेक्ट करेगा? वो तो माँ बाप से ज़्यादा क्लोज है उस टाइम पर, उसकी इतनी अटैचमेंट है, वो इतना इमोशनल है कि कई दफ़ा बच्चे जाके तो खुद एडवोकेट बन जाते हैं और जाके बुजुर्गों से लड़ाई शुरू कर देते हैं, आपने मेरी मामा को ऐसे क्यों कहा, राइट. हमें यहाँ पर अपनी कम्युनिकेशन में ये देखना पड़ेगा कि हम तो बच्चों का माइंड पलूट नहीं कर रहे कहीं पर इनडायरेक्टली, अनइंटेंशनली. उसके बाद हम उनको रिस्पेक्ट सिखाने की तरफ आएंगे. अगैन हम उन्हें अलग अलग भी बताएंगे जबकि वो आउट ऑफ द सिचुएशन हैं कि क्या रिस्पेक्ट की लिमिट्स हैं, क्या बाउंड्रीज हैं, किस तरह से किस रिलेशन को आपने रखना है,
बड़ों का छोटों का क्या अदब और लिहाज है, ये आप उनको इनडायरेक्टली स्टोरीज के थ्रू या इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। अगर फिर भी खुदा न खास्ता इन द सिचुएशन बच्चे ने कुछ किया है, अगेन आप उसको उसी वक्त समझाएंगे, डांट कर नहीं, आप उसे पहले 3 दफ़ा आराम से कम्युनिकेट करेंगे। डू यू नो हमने क्या सीखा था एल्डर से कैसे बात करते हैं, हमने पहले डिस्कस किया था, डू यू रिमेंबर कि ये वाली बात थी, जो चीज़ें आप उससे पहले कह चुके हैं आप उससे पहले उसकी तरफ रिमाइंडर्स देंगे। अगर वो नहीं करता देन यू विल आस्क हिम कि वो आपके साथ साइड पर आ जाए एंड देन यू कैन मेक देम अंडरस्टैंड अगैन, राइट, ताकि उसको पता होगा कि ये एक टाइम आउट हो गया, अदरवाइज यू कैन डिस्ट्रैक्ट द होल सिचुएशन। बिल्कुल ठीक है। इंस्टेड ऑफ लाइक रिस्पॉन्डिंग इट राइट अवे आप टोटल डिस्ट्रैक्ट कर दें ताकि वो कॉन्वर्सेशन उस वक्त ख़त्म हो, अगेन बाद में बच्चे से उस चीज़ को कम्युनिकेट करें। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया ताहिर जावेद साहब, साथ मौजूद थे, साहब मौजूद पर हमसे गुफ्तगू कर रही थी, जिसमें आगाज़ हमने किया था कि गुड जॉब कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, तारीफ़ करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए तो कितनी करनी चाहिए, सख्ती हो तो कितनी, और जिस पर एक बैलेंस, जब भी गुफ्तगू किसी मौजू पर तो बैलेंस का टर्म ज़रूर हम इस्तेमाल करते हैं, ताहिर साहब ने भी उसी की बात की है। और ज़रा समटाइम्स कुछ बच्चे जो हाइपर एक्टिव हैं, कुछ बच्चों के अगर कोई किसी वजह से इशू है, ज़रा इशू बच्चों में तो नहीं, इशू तो पेरेंट्स में होता है, जिसकी वजह से बच्चों में आता है, तो वो इशू कैसे आपने हल करना है, ज़ाहिर है उसके लिए हमने कहा कि फॉर एग्जांपल अगर एक बच्चा हाइपर एक्टिव है तो आपने स्क्रीन टाइम कम करना है, आप उसे काम करने के लिए वो बॉटल ज़रूर लगाने, मैं तो ज़रूर लेकर आऊँगा देखूँगा कि उस बॉटल का कितना अच्छा इंपैक्ट आता है। एनीवेज एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो एक और अहम मौजू हमारे पास, और आज वो मौजू मियाँ और बीवी के रिश्ते से मुतालिक है। बिलखसूस आज हम बात करेंगे अगर आपस में नाचाकी हो जाए किसी वजह से, ज़ाहिर है रिश्ता है यूँ तो सबसे नापसंदीदा अमल अल्लाह ताला के नज़दीक तलाक का अमल है, लेकिन किसी वजह से अगर ये मामला इस तरफ चला भी गया है तो उसके बाद भी हमारे दीनी अहकामात क्या हैं, ये रिस्पेक्ट का एलिमेंट, इसका हाथ जो है वो आपने थामे रखना है, इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे लेकिन ब्रेक के बाद। मेरा दिल कह रहा था कि वो जिंदा है, तभी तो अब तक मैं जिंदा हूँ, वरना ये धड़ धड़ क्यों हो रही होती सीने में। तेरी आंखें छीन ली, मुझे अंधेरे में बंद कर दिया, पर सारे हार गए, अंधेरा भी और दीवारें भी। अश्क आंखों की जिंदगी में कोई दुख कोई परेशानी कोई तकलीफें नहीं होती। देखनी होगी दरामद से बरामद तक की सूरत हाल, कौन सी करेंसी है अप कौन सी डाउन, मौशी खुद निसारी कैसे हासिल की जाए, रखते हैं नजर रियल एस्टेट से लेकर कमोडिटीज के उतार चढ़ाव में, बिजनेस की होगी बात माहिरीन के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ समन अंसारी और आप देखेंगे मुझे बतौर माई लाली आने वाले ड्रामा सीरियल दुश्मन में। दुश्मन है दास्तान मोहब्बत की और मोहब्बत से की जाने वाली बेइंतहा हिकारत की। इसके साथ वाबस्ता
बहुत सारी यादें हैं, कुछ बहुत हसीन और एक रूह हिला देने वाला हादसा। सबसे ज़्यादा ख्याल आता है नायला जाफरी जी मरहूमा का। ये उनका आखिरी प्रोजेक्ट था और उनके साथ काम करने में इस कदर मोहब्बत भरा एहसास मिला उनसे। ज़रूर देखिएगा ड्रामा सीरियल दुश्मन, मई 16, 2022 से सिर्फ PTV। حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کو کبھی عیب نہیں لگایا، یعنی برا نہیں کہا، اگر خواہش ہوئی تو کھا لیا ورنہ چھوڑ دیا۔
چلے کچھ آڈیو کا ہماری بھی نہیں جا رہی ویلکم بیک آفٹر دا بریک تھوڑی تاخیر رہی کچھ آڈیو کا ایشو تھا اینی ویز آج ہمارے ساتھ جو پروگرام میں شخصیت جوائن ہے مذہبی اسکالر ہم ان کا تعارف کریں مفتی ضمیر ساجد صاحب نے ہمیں جوائن کیا اور بریک پر جانے سے پہلے جس طرح ہم نے ایک موضوع کا آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ آج ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم بات یہ کریں کہ یوں تو اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ عمل طلاق ہے لیکن طلاق کے بعد بھی دینی حکم کیا ہے چونکہ میاں بیوی جسے ایک دوسرے کا لباس قرآن شریف میں کہا گیا اور لباس ظاہر ہے ایک زینت ہے اور جب بات میاں اور بیوی کی ہے اس خوبصورت پیارے رشتے کی ہے تو ایک دوسرے کے رازدار ہوتے ہیں یہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ناچاکی ہو جائے علیحدگی ہو جائے یا ایکسٹریم طلاق ہو جائے تو اس کے بعد بھی رازداروں کے محافظ ہوتے ہیں یہ اور ہونا چاہیے لیکن بدقسمتی کہہ لیجئے یا کچھ ایسے حالات ہو جاتے ہیں یا کچھ ایسے انسیڈنٹ ہمارے سامنے آئے ہیں جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پھر رازوں سے پردہ بھی اٹھتا ہے جس سے پھر حالات بھی خراب ہوتے ہیں اور اس کے بعد اگر بچے ہیں تو ان کی شخصیت پر بھی متاثر ہوتی ہے دینی احکامات کیا ہیں اس پر آج ہم کوشش کریں گے گفتگو کریں السلام علیکم سر کیسے ہیں آپ مفتی ضمیر صاحب جی جی چلے آپ سوال لیجیے بس میں پہلا تو سوال یہی کرنا چاہ رہا ہوں سر کہ جس طرح شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا گیا تو یہ جو ایکسٹریم پہ نہیں جاتے بھی ہم تھوڑی سی اس پر بات کر لیتے ہیں کہ اگر تھوڑی بہت ناچاکی ہو جائے کوئی ایسی مس انڈرسٹینڈنگ ہو جائے اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خاندان یا رشتہ دار یا دوست احباب اس میں ہم ایک دوسرے کے حوالے سے گفتگو کر بیٹھتے ہیں شوہر تو بیوی سے متعلق بات کر بیٹھتا ہے بیوی تو شوہر سے متعلق کتنی بڑی غلطی ہوتی ہے سر یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شوہر اور بیوی کا تعلق ایک بہت ہی عظیم اور اللہ کے نزدیک محبوب تعلق ہے اور اسی تعلق کو قرآن مجید میں اللہ کریم جل جلالہ نے ہن لباس اللکم و انتم لباس اللہن سے تعبیر کیا ہے کہ یہ ایک دوسرے کا لباس ہے یعنی ایک دوسرے کا پردہ ہے پردہ ہے تو کتنی خوبصورت تعبیر ہے میاں بیوی کے رشتے کی کہ اللہ کریم جل جلالہ نے ان کو لباس سے تعبیر کیا ہے اس رشتے کو اور اب لباس کیا ہوتا ہے لباس وہ ہے کہ جو انسان کے لیے خوبصورتی ہے لباس انسان کے عیوب کو چھپاتا ہے لباس انسان کو موسموں کے اثرات سے بچاتا ہے اور لباس انسان کے لیے عزت ہے تو یہ جو رشتہ ہے اس کو اسی حوالے سے دیکھیں کہ یہ رشتہ انسان کے لیے عزت بھی ہے اور پھر یہ مہلک اثرات سے بھی بچاتا ہے اور یہ عیوب چھپاتا ہے اب عیوب چھپانے کا معنی یہ ہے کہ جس کا تذکرہ آپ نے کیا ہے کہ اگر شادی کے بعد میاں بیوی کے درمیان کوئی بات ایسی ہو جاتی ہے تو ان کے اپنے حد تک رہنی چاہیے اور خاندان تک منتقل نہیں ہونی چاہیے اگر لڑکا اپنے خاندان کے آگے باتیں بتاتا رہے بیوی کی خامیاں بتاتے رہیں اور بیوی اپنے خاندان میں اس کی خامیاں بتاتی رہے تو یہ رشتہ چل نہیں سکتا یا اس سے بگاڑ شروع ہوتا ہے اور ایک اچھا خاصا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے کہ کوئی لڑکی یا کوئی لڑکا آپس میں جھگڑے کی باتیں دوسروں سے شیئر کرے اور اسی طرح سے پھر اس کو پردہ اس لیے بھی کہا گیا ہے اور یہ لباس اس اعتبار سے بھی عیوب کو چھپاتا ہے کہ کبھی کبھی زندگی میں بڑی مشکل مراحل آ جاتے ہیں اور انسان آزمائشوں کا شکار ہو جاتا ہے جہاں اگر وہ تنہا ہو تو لوگوں کا سامنا تماشا بن جائے لیکن اگر وہ لڑکی ہے تو اس کا ہسبینڈ اس کا ساتھی ہوتا ہے اور اگر ہسبینڈ ہے تو اس کی بیوی اس کے ساتھ ہوتی ہے اور پھر ان کی خامیاں ہیں یا ان کی وہ چیزیں جو لوگوں کے سامنے جائیں تو لوگ اچھا نہیں سمجھیں گے وہ ظاہر نہیں ہوتی ہیں تو اس اعتبار سے یہ ایک دوسرے کے سپورٹر ہیں ایک دوسرے کے لیے پردہ ہیں ایک دوسرے کے لیے عزت ہیں اور کبھی ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ آپس کی باتوں کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں کیونکہ اس سے ایک مقدس رشتہ تباہ ہوتا ہے اس سے نقصان پہنچتا ہے اور نہ صرف یہ کہ اس سے لڑکا اور لڑکی متاثر ہوتے ہیں بلکہ اس سے خاندان متاثر ہوتے ہیں اور پورا معاشرہ ایک انتشار کا شکار ہو جاتا ہے تو اس سے بچنا چاہیے
मुफ्ती साहब, इसमें एक पहलू ये भी है, माजत के साथ अगर कुछ खवातीन की दिलाजारी भी हो, हमने अमूमन ऐसे केसेस देखे कि खवातीन थोड़ी जज्बाती होती हैं, मर्द अपनी इतनी जल्दी इन तमाम तर बातों का ना हवाला देते हैं ना जिक्र करते हैं, लेकिन जब बात बहुत ज़्यादा शिद्दत अख्तियार कर जाए तब उनकी तरफ से भी सफाई या दलील आना शुरू हो जाती है। और कुछ मर्द मैंने ऐसे भी देखे हैं जो बारहा मामला किस कदर भी गलती हुई और कोताही और गुमराहकुन बयानात की तरफ क्यों ना चले जाएं, फिर भी वो अपनी जबान से एक हर्फ एक लफ्ज नहीं निकालते हैं। ऐसे में स्पेशली मैं कहूंगी कि उन खवातीन की भी थोड़ी सी सलाह फरमाइए कि अगर कोई नहीं बात कर रहा है तो अगर आपने एक छः दो दफा बात कर ली लेकिन फिर भी वहां से खामोशी है तो फिर आपको चुप हो जाना चाहिए। ये तो बड़ी खुशी की बात है, माशाल्लाह मुझे तो आपकी इन बातों से बहुत खुशी हुई है कि कोई खातून ऐसी भी है कि जो अपने बारे में कह सकती है, क्योंकि आमतौर पर ख़वातीन इस बात को तस्लीम नहीं करती हैं कि वो सारा कसूर मर्द के ऊपर लगा देती हैं कि वही गलती करता, हमारी कोई गलती नहीं है। लेकिन बिलाशुबा ख़वातीन जज्बाती होती हैं और वो कभी कभी गलत फैसले कर बैठती हैं और उनको सोचना चाहिए कि अगर वो ऐसा गलत फैसला करेंगी तो इससे ज़िंदगी तबाह होगी। अगर वो साहिब औलाद है तो उनकी औलाद पर बुरा असर पड़ेगा। अगर शादी के बाद औलाद हो जाए और उसके बाद अगर ख़वातीन अपने जज्बात का इजहार करें और उनका हस्बैंड बार बार उनको रोके और वो इस बात को आगे ना बढ़ाए लेकिन इसके बावजूद भी वो उसको और ज़्यादा इश्तियाल दिलाएं, तो वो सोचे कि मुस्तकबल में उनके बच्चों का क्या होगा, मुस्तकबल में उनको कभी भी खुशी नसीब नहीं हो सकती है। इसलिए मेरी उन बहनों से और बच्चियों से मेरी गुजारिश है कि वो कभी भी जज्बात की रोह में ना बह जाया करें बल्कि वो तहम्मुल और बर्दाश्त का दामन हाथ में रखें और रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के फरामीन के मुताबिक जो सब्र तहम्मुल से काम लेता है तो वो कभी घाटे में नहीं जाता, उसको अल्लाह ताला उसको उसका फल अता करता है। और दूसरा मर्दों से भी मेरी गुजारिश है कि जैसे कि हदीस पाक में आया है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि औरत मर्द की पसली से पैदा की गई है, तो उसको अगर आप ताकत के ज़रिए से सीधा करेंगे तो वो टूट जाएगी, अगर वो जज्बाती हो गई है तो उसको बड़ी हिकमत के साथ और तामल मजाजी के साथ और बड़े प्यार के साथ समझाना चाहिए। बहुत प्यारी बात कि ताकत के ज़ोर से नहीं और हिकमत के ज़ोर से, हिकमत से, प्यार से, मोहब्बत से। सर, अब थोड़ा सा हम उस तरफ भी आते हैं कि ये तो मामला हमने किया ना कि चलो शुरू में कोई मसला हो गया, दौरान रिश्ते के दौरान कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गया, आपने ख़ानदान को इन्वॉल्व कर लिया, अब अगर आपने ये फैसला कर लिया कि जी आपने साथ रहना नहीं है, अलहदगी हो गई है, तलाक हो गई है या तुमने खुला लिया, वट एवर द केस है, बच्चे हैं नहीं है, वट एवर द केस है, अब जब एक रिश्ता ख़त्म हो गया है उसके बाद दीनी अहकाम किया है, क्या तब भी हुक्म वही है कि आपने अभी भी पर्दे का काम करना है, लिबास का काम करना है? देखिए, जो पर्दे का काम है या किसी इंसान की पर्दापोशी है वो तो उसका आम हुक्म में आती है वो बात, बिल्कुल ठीक, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला की अपनी शान ये है कि वो सतारुल उयूब है, कि वो ऐबों को छुपाता है, वो अपने बंदे के ऐब जानता है लेकिन वो एक दूसरे पर जाहिर नहीं होने देता। जितना लोग इकट्ठे बैठते हैं, यहाँ इकट्ठे बैठे हुए हैं, मस्जिद में लोग इकट्ठे बैठते हैं, दफातर में बैठते हैं, बाज़ारों में होते हैं, कितने लोग ऐसे हैं कि उनके अंदर अयूब होते हैं लेकिन अल्लाह ताला एक दूसरे को अयूब जाहिर नहीं करता, बिल्कुल ऐसे, तो वो ये नहीं पसंद करता कि उसके बंदे भी दूसरों को अयूब जाहिर करें और किसी की पर्दादारी करें, अल्लाह ताला पर्दापोशी का हुक्म देता है। लिहाजा अगर कोई ऐसी वजह बन गई है कि उनके इकट्ठे रहने से शरीय हदूद पामाल होती हैं और उनके उनका रिश्ता नहीं चल सकता है तो वो अलहदा हो जाएँ और अलहदा होने के बाद फिर एक दूसरे की पर्दापोशी करें, वो जो उनके पास राज है उनको महफूज रखें और उसको नुकसान देने की कोशिश न करें। अगर वो नुकसान देने वाले बनेंगे तो ये दुनिया दारुल मकाफात है, ये यहाँ पर अगर आप किसी का पर्दा फाश करेंगे तो आपके अपने पर्दे भी फाश होने शुरू हो जाएंगे, बिल्कुल ऐसे ही है। और जो दूसरों की मदद करते हैं उनका पर्दा फाश नहीं करते हैं, तो हदीस पाक में आता है कि जब कोई किसी की मदद करता रहता है तो अल्लाह ताला उसकी मदद करता रहता है, उसके अपने अयूब के भी जाहिर नहीं हो सकते हैं, लेकिन जो दूसरों के अयूब को जाहिर करके और उनकी पर्दा दरी करके खुश होते हैं कि हमने बड़ा कमाल किया है, एक वक्त ऐसा भी होता है कि उनको इस पर शर्मिंदगी होती है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, लिहाजा इससे एहतियात करनी चाहिए और पर्दा रखना चाहिए शादी के बाद भी और शादी से पहले भी। ये अमानत होती है और अमानत में ख्यानत करना जो है ये इसकी इस्लाम इजाज़त नहीं देता। एक मुसलमान मर्द, एक मुसलमान खातून कभी भी अमानत में ख्यानत का तसव्वुर नहीं कर सकते हैं। सही मुफ्ती साहब, अब हमारे यहाँ कुछ मामलात ऐसे भी होते हैं कि जब हम लोग किसी भी शोबिस पर्सनैलिटी या मीडिया पर्सनैलिटी या कोई भी जर्नलिस्ट अगर है, खातून है या मेल सहाफ़ी हैं,
अगर कभी उनके मामलात में कभी अलहदगी हो भी जाती है, अमूमन ये लोग कहते हैं कि एक चूंकि एक पब्लिक फिगर है तो आप पब्लिक प्रॉपर्टी हो गए, लिहाजा अब आपकी ज़ाती ज़िंदगी है जो निजी मामलात हैं उनके बारे में भी आपके फैंस को मालूम होना चाहिए। लेकिन जब उनकी तरफ से ये पहलू सामने आता है कि हमारी ज़ाती ज़िंदगी का मामला है, उस पर फिर क्रिटिसिज्म शुरू हो जाता है कि बाकी मामला तो आप जो है वो पब्लिक कर देते हैं, ये अब आपकी ज़ाती ज़िंदगी के मामलात आ गए। तो इसमें हम किस तरीके से सोसाइटी की काउंसलिंग कर सकते हैं और किस तरीके से लोगों को ये समझाया जाए कि ज़ाती ज़िंदगी पर आपका कोई ज़ोर या कोई असर नहीं हो सकता? बिल्कुल, हमारी सोसाइटी में ये रुझान पाया जाता है और ये रवैया है कि वो दूसरों के हकूक पर अमल करते हैं। किसी भी इंसान की ज़ाती ज़िंदगी, उसके अपने हकूक हैं और उनका ख्याल रखना दूसरों के लिए ज़रूरी है। सोसाइटी में जो लोग दूसरों पर तनकीद करते हैं और वो बजाय उनकी इसलाह करने के अपने तौर पर उनको निशाना बनाते हैं और तानो तशनियात करते हैं, तो इससे तो एक अखलाकी बिगाड़ शुरू होता है। इससे माशरे के अंदर एक फ़िज़ा ख़राब होती है, बिगाड़ आता है और वो कभी भी वो माशरा अमन व सलामती का गवारा नहीं बन सकता है जहाँ पर इस तरह का रवैया हो। लिहाजा इसके लिए ज़रूरी है कि जैसे कि आप अपने चैनल के ज़रिए से बात कर रहे हैं, इसके लिए मस्जिद से भी आवाज़ उठानी चाहिए कि हर जुमा को कम अज़ कम 500-700 हज़ार लोग तो हर मस्जिद में होते हैं। ये उलमाए किराम को भी चाहिए कि वो आवाज़ करें कि किसी की ज़ाती ज़िंदगी के बारे में इजहार ख्याल करना या उसके अयूब की टो में लगे रहना और उसके अयूब की तलाश में लगे रहना, ये तो सूरह हुजरात में इसकी बहुत मज़म्मत आई है। इससे बाज आना चाहिए। दरमियान इस कदर परेशानी का आलम है, वालदैन परेशान हैं, लोग परेशान हैं और हर किसी के सोशल मीडिया की तख्ती जो है वो हर 1.5 घंटे बाद 2 मिनट बाद हर किसी अपडेट के साथ बदल रही होती है। जी बिल्कुल, वो यूँ कहना चाहिए मुफ्ती साहब कि वो उस मामले से, आई एम सॉरी टू यूज़ दैट टर्म, वो चस्का ले रहे होते हैं। हाँ। वो उस मामले से मज़ा ले रहे होते हैं, वो उस मामले को इतना डिस्कस कर रहे हैं, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कर रहे हैं। यानी मैं बात कर रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल कोई केस आपके सामने आया फैमिली का या जानने वालों का, पहचान वालों का, तो भी आप आपस में डिस्कस कर रहे हैं। और अगर कोई शोबिज़ पर्सनैलिटी थी, कोई ऐसा इन्फ्लुएंसर था, कोई ऐसा था जिसको बहुत लोग जानते हैं, उसका अगर केस सामने आ गया तो भी आपने धड़ाधड़ उस पर पोस्ट करना शुरू कर दिए हैं, उस पर बात करना शुरू कर दी है। हालांकि वो मामला ऐसा है कि पहले ही वो मामला होना नहीं चाहिए, अगर वो मामला हो गया तो आप उस पर डिस्कशंस करें। इस मामले में भी सर रहनुमाई कीजिए कि चलो हमने ये बात तो की कि मियाँ और बीवी को पर्दा रखना है, लेकिन ये जो आम हालात में मुआशरे का किरदार होना चाहिए, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की बात अगर करनी चाहिए तो वो क्या होनी चाहिए फिर? देखिए, माशरती आदाब तो इस्लाम ने सारे सर बता दिए। बिल्कुल, जब तक हम उन आदाब को फॉलो नहीं करेंगे हमारा माशरा भी एक फलाही माशरा नहीं बन सकता है। और बिला शुबा के जो लोग उस माशरे के आदाब को बजा नहीं लाते हैं, जी उनको एहसास ज़िम्मेदारी नहीं होता। सर, गुनाह के मुर्तकिब भी होते हैं? गुनाह के मुर्तकिब यकीनन होते हैं और उनको इसका एहसास नहीं होता कि हम गुनाह के मुर्तकिब हो रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर उनको एहसास दिलाया जाए कि वो ये गुनाह कर रहे हैं, तो अगर वो किसी की बहन के बारे में बात कर रहे हैं तो वो ज़रा सा ये सोच लें कि अगर कोई उनकी बहन के बारे में बात करेगा तो उनके तसरत क्या होंगे, या कोई खातून अगर किसी के भाई के बारे में कोई मजाक उड़ा रही है कि वो माशरे में ऐसा है या उसके ये जराइम उसने किए हैं, तो ये सोचे कि अगर उनका भाई ऐसा होता तो उनके बारे में क्या रवैया होता, तो फिर वो उनको एहसास इसमें हो सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि वाज़ और नसीहत से लोग समझते नहीं हैं, उसके लिए ये भी ज़रूरी है कि हमारे यहाँ तो कानून सब बने हुए हैं। बिल्कुल ठीक, कानून नाफिज़ होना चाहिए। होता है, बिल्कुल ठीक है। मुफ्ती साहब, हमें एक कलाम की तरफ भी बढ़ना है। हमारे साथ आज मौजूद हैं दो भाई तौकीरुद्दीन और अमीरुद्दीन साहब, तो उनको हम वेलकम भी करते हैं शो में और उनकी तरफ बढ़ते हैं कि कौन सा कलाम उनका इंतखाब उनकी तरफ से है हमारे सेगमेंट के लिए। तो सर प्लीज़। मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं, जैसे मेरे सरकार हैं, ऐसा नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं, ऐसा
نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ باتیں اب تک بنی ہوئی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ باتیں اب تک بنی ہوئی ہے میں اس کرم کے کہاں تھا قابل میں اس کرم کے کہاں تھا قابل حضور کی بلدہ پروری ہے جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں سب سے اولا او اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا او اعلیٰ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں نوری نوری خزینے کی کیا بات ہے نوری نوری خزینے کی کیا بات ہے مصطفیٰ کے مدینے کی کیا بات ہے مصطفیٰ کے مدینے کی کیا بات ہے خوب ہے شافی پھولوں کی خوشبو مگر خوب ہے شافی پھولوں کی خوشبو مگر مصطفیٰ کے پسینے کی کیا بات ہے جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں سرکار کی رحمت نے کیا خوب نوازا سرکار کی رحمت نے کیا خوب نوازا یہ سچ ہے کہ خالد سا یہ سچ ہے کہ خالد سا نکما نہیں کوئی اب میری نگاہوں جچتا نہیں کوئی جزاک اللہ توقیر الدین صاحب امیر الدین صاحب ساتھ موجود تھے آپ اور خوبصورت کلام اور بڑی پیاری آواز اور دیکھیں کہ دونوں بھائی کتنے سنک ماشاءاللہ زریاب ہاں اور بڑی خوبصورت لہجہ اور اس سے پہلے بھی یہ ہمارے رمضان نشریات کا حصہ بنتے رہے ہیں اور آج بھی یہ ہمارے ساتھ موجود تھے تو چونکہ اب ہمارے پاس وقت مختصر ہے لہٰذا آخری کلام کی طرف بڑھیں گے اور حافظ وقاص صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے اور انہی کی کلام کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے حافظ وقاص مدینے سے بلاوا رہا ہے مدینے سے بلاوا رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے کہیں گے مصطفیٰ قدموں
سے لگے جا کہیں گے مصطفیٰ قدموں سے لگے جا درِ زہرا سے ہو کر آ رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے شبِ فرقت سے دل گھبرا رہا ہے شبِ فرقت سے دل گھبرا رہا ہے مدینہ آپ کا یاد آ رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا